आज थोड़ा सा क्लासेस का एक छोटा सा सिस्टम चेंज किया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया जाएगा अलॉन्ग विद ऑर्गेनम। और उसके लिए जैसे इस बार प्रोसेस किया था रजिस्ट्रेशन का, वो करना जरूरी होगा। जो सीरियस हैं पढ़ने के लिए उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, उनके साथ वर्क करेंगे जो आगे करना चाहते हैं कुछ होम्योपैथी में। हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं सब लोग ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर आप में वो है, पढ़ने की इच्छा है, आगे कुछ करने की इच्छा है, तो वी आर विद यू ऑन योर एवरी स्टेप। लेकिन अगर वो एक प्रायोरिटी किसी और चीज की है, रेदर देन स्टडीज, रेदर देन होम्योपैथी, रेदर देन पेशेंट्स, तो फिर उसमें वो सारी एनर्जी जो है वो वेस्टेड ही है, आपकी भी हमारी भी। तो अगर क्लासेस को अटेंड करना है तो रेगुलरली कीजिए, इसीलिए ये रजिस्ट्रेशन का सारा किया है। ठीक है, जो जो लोग अटेंड नहीं कर रहे उनकी भी हम लिस्ट बनाएंगे, उनको थोड़ा सा रिमाइंडर दिया जाएगा अगर दे वांट टू ज्वाइन। अगर नहीं, देन जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं हम उनको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, उनके साथ काम करेंगे। ठीक है, चलो आज का शुरू करते हैं लेक्चर। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। So, आज हमने ऑर्गन के कुछ एफरिज्म करेंगे पहले, एंड देन वी विल डिस्कस दी डिप्रेशन और द स्टेट ऑफ डिप्रेशन इन नाजा। जो हमारी रेमेडी है नाजा, स्नेक रेमेडी है, उसमें डिप्रेशन की स्टेट कैसे आती है, केस भी डिस्कस करेंगे उसको, उसके रिगार्डिंग। सो लास्ट हमने 144 तक किया था, 145 से शुरू करेंगे आज। ये हमारा लास्ट एफोरिज्म होगा प्रूविंग्स का। इसके बाद जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, जो भी हमने अभी तक प्रिंसिपल्स को समझा, जो कुछ हमने अभी तक ऑर्गन में पढ़ा, उसको अप्लाई कैसे करना है अभी क्लिनिक में, तो इसके बाद वो पार्ट शुरू हो जाएगा इसका। सो ऑफ अ ट्रूथ, इट इज ओनली बाय अ वेरी कंसिडरेबल स्टोर ऑफ मेडिसिन्स accurately known in respect of these their pure modes of action in altering the health of man that we can be placed in a position to discover a homeopathic remedy a suitable curative morbific analog for each of the infinitely numerous morbid states in nature for every malady in the world. बोले सच्चाई ये है कि जो हमने एक स्टोर बनाया है प्रूविंग्स के साथ मेडिसिन्स का, ये जो हमने एक नॉलेज का स्टोर बना लिया है, सिम्टम्स का स्टोर बना लिया है, उनके प्योर मोड्स ऑफ एक्शन का, कि वो एक इंसान की हेल्थ को कैसे ऑल्टर कर सकती हैं। एवरी मेडिसिनल सब्सटेंस, जिसको भी हम दुनिया में मेडिसिनल सब्सटेंस बोलते हैं, चाहे वो होम्योपैथी है, चाहे वो एलोपैथी है, चाहे वो आयुर्वेद में है, चाहे किसी भी चीज में है, जिसको हम मेडिसिन बोलते हैं, उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? That it has to have the power of altering the health of man. इंसान की जो हेल्थ है उसको ऑल्टर करने की शक्ति उसमें होनी चाहिए। ये एक पहली रिक्विजिट है मेडिसिन, किसी भी चीज को मेडिसिन कहने के लिए। सो अब हमारे पास ये जो स्टोर है आया है सच्चाई से, प्योर मोड ऑफ एक्शन को जब हमने समझ लिया है हर मेडिसिन के साथ, तो इससे क्या है, इससे हमें क्या हेल्प हुई कि हम उन सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करके, उन मेडिसिन को अंडरस्टैंड करके, या मेडिसिन के उन पावर्स को अंडरस्टैंड करके जो कि क्यूरेटिव है, जो कि वो क्योर कर सकती हैं, किसको? इनफिनाइटली न्यूमरस मॉर्बिड स्टेट्स इन नेचर, जो कुदरत में बीमारियां हैं इतनी सारी, इतने सारे सिम्टम्स हैं लोगों को आते, उन सब का क्योर
हमने प्रूविंग्स के साथ एक प्योर मोड ऑफ एक्शन के साथ समझ लिया है कि ये दवाई ये चीजें प्रोड्यूस कर सकती है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में और इस चीज को ठीक कर सकती है। फॉर एवरी मेलेडी इन द वर्ल्ड, हर मेलेडी दुनिया की, हर बीमारी दुनिया की, उसका जो हमने तोड़ है, क्यूरेटिव एक्शन है, पूरी ऑर्गन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज छुपी हुई है। वो ये है कि हनुमान सर ने कहीं पे नहीं बताया कि भाई इस चीज की दवाई नहीं है होम्योपैथी में, कहीं नहीं बताया उन्होंने गॉल स्टोन की दवाई नहीं है जी, कहीं नहीं बताया उन्होंने कि भाई एलर्जी की दवाई नहीं है, कहीं नहीं बताया भी किसी के बाल झड़ रहे हैं तो उसकी दवाई नहीं है जी, कहीं पे नहीं बताया, उल्टा बोल रहे हैं फॉर एवरी मेलेडी इन द वर्ल्ड, दुनिया की हर बीमारी को ठीक करने की जो क्यूरेटिव पावर है वो इस होम्योपैथिक रेमेडी में है। और उसका हमने कैसे पता चला कि जब हमने बार बार प्रूविंग्स की, उन प्योर मोड्स ऑफ एक्शन को समझा। इन द मीन टाइम, इवन नाउ, आने वाले कुछ समय में, अभी भी, थैंक्स टू द ट्रुथफुल करेक्टर ऑफ द सिम्टम्स एंड टू द अबंडेंस ऑफ डिजीज एलिमेंट्स which every one of the powerful medicinal substances has already shown in its action on the healthy body, but few diseases remain for which a tolerably suitable homeopathic remedy may not be met with among those now proved as to their pure action, which without much disturbance restores health in a gentle, sure and permanent manner. ठीक है ना? तो ये जो truthful character निकल के आ रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी होगा आगे आगे, कि जैसे जैसे हम मेडिसिन को प्रूव कर रहे हैं तो बहुत ही कुछ फ्यू सिम्टम्स हैं जो कि अभी तक हमें नहीं मिले, लेकिन आने वाले समय में वो भी मिल जाएंगे। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है बीमारियों का, उसको होम्योपैथिक रेमेडीज ने कवर कर लिया है। और उसके बाद जो डॉक्टर हेरिंग्स की प्रूविंग है, डॉक्टर टी एफ एलन की प्रूविंग है, उन्होंने कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा इन चीजों के लिए। So, we have now among us those homeopathic remedies जिनके pure action के साथ health को restore किया जा सकता है। कैसे? एक gentle, sure और permanent manner में, हमारा जो main aim है उस तरह के से। तो जो first aphorism है उसको पूरा करने के लिए सारी organon लिखी गई है, ideal cure करने के लिए पूरी organon लिखी गई है। Infinitely more surely and safely then can be affected by all the general and special therapeutics of the old allopathic medical art. Or surely karegi, or safely karegi, permanently karegi, as compared to any other therapeutic method. With its unknown composite remedies, allopathic art mein kya hai ki unknown composite remedies hai, which do but alter and aggravate, but cannot cure chronic diseases. And rather retard than promote recovery from acute diseases. जब ऐसी remedies दी जाती हैं जिनके composition का ही नहीं पता, तो वो cure करने की जगह जो chronic disease उनको और बढ़ा देती हैं। हम पीछे करके आए हैं कि medicinal diseases कैसे बनती हैं एक इंसान में, ठीक है ना? And even in acute diseases, जो एक normal recovery, आप देखिए कभी भी personal experience कीजिए, अपने पेशेंट के साथ एक्सपीरियंस कीजिए, कि जब वो एंटीबायोटिक्स या कुछ भी ऐसा लेते हैं एक्यूट डिजीज में, तो जो रिकवरी जनरली बाकी के पेशेंट्स में एट द सिमिलर टाइम 3 दिन में हो रही है, 2 दिन में हो रही है, 5 दिन में हो रही है, उनमें वही रिकवरी 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में हो रही है, अलॉन्ग विद प्रोडक्शन ऑफ न्यू सिम्टम जो पहला नहीं था। तो उस सबके लिए ये जो प्रूविंग्स हैं, डॉक्टर हनुमान ने इतनी मेहनत की, बाकी डॉक्टर्स ने इतनी मेहनत की, हमें आसान करके दे दिया सब कुछ। अब आसान को भी हम यूज ना करें तो उसमें फिर गलती किसकी है? वो हमारी। सो फुटनोट टू एफोरिज्म 145। एट फर्स्ट आई वाज द ओनली पर्सन हु मेड द प्रूविंग ऑफ द प्योर पावर्स ऑफ मेडिसिंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ हिज ऑक्यूपेशंस। और सबसे पहले मैं ही था जो इन प्रूविंग्स को कर रहा था मेडिसिन की प्योर पावर्स ढूंढने के लिए।
Since then, I have been in this by some young men who instituted experiments on themselves. और अभी लेकिन कुछ समय से कुछ नए लोगों ने, कुछ यंग लोगों ने मेरी साथ हेल्प करवाई है, जिन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड हूज ऑब्जर्वेशंस आई हैव क्रिटिकली रिवाइज्ड, और जिनकी ऑब्जर्वेशन को मैंने बार बार क्रिटिकली रिवाइज किया है, उसको देखा है, उसको बार बार पूछा गया, ठीक किया गया. बट वट शेल वी नॉट बी एबल टू अफेक्ट इन द वे ऑफ क्योरिंग इन द होल एक्सटेंट ऑफ द इनफिनाइटली लार्ज डोमेन ऑफ डिजीज. When numbers of accurate, trustworthy observers shall have rendered their services in enriching this, उन्हें जब ऐसे trustworthy observer आ जाएंगे जो कि accurately पूरी provings को करेंगे जो remedies रह गई उनकी, तो बोला हम क्या नहीं कर सकते इन दवाइयों के साथ. Infinitely large domain of जो disease है तो हम किस हद तक ठीक नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर सकते हैं, बिशर्ते हमारे पास ये प्योर प्रूविंग्स हो, बिशर्ते ऐसे ट्रस्टवर्दी ऑब्जर्वर्स हो जिन्होंने हमें प्योर प्रूविंग्स करके दी हैं और इस मटेरिया मेडिका को एनरिच किया है. द ओनली ट्रू मटेरिया मेडिका बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स ऑन देमसेल्व्स. अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमने केयरफुल मटेरिया मेडिका बनाया है. और जब ये बनाया गया, जब ये किया, तो क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया, द हीलिंग आर्ट विल देन कम near the mathematical sciences in certainty. तो ये जो healing art भी है, और ये हनुमान सर ने तब लिखा जब proofings चल रही थी, extensively चल रही थी. Dr. Herring ने, Dr. T.F. Allen और भी हैं जिनकी proofings हैं, जो pure अच्छी proofings हैं, ठीक है, जिनको माना जाता भी, हाँ ये proofings, और उनको बार 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 लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और वही चीजें निकल के आई हैं. तो इतनी प्रूविंग्स के बाद, इतना वास्ट मटेरिया मेडिका होने के बाद, जो हमारा हीलिंग आर्ट है, इट इज नियर टू द मैथमेटिकल साइंसेज इन सर्टेनिटी. वो दो और दो चार ही होगा, वो चार और चार आठ ही होगा. प्रॉब्लम आती है कि हमें फॉर्मूला नहीं पता, हमारे पास चार इधर पड़ा है, चार इधर पड़ा है, इसका करना क्या ये नहीं पता. वी डोंट नो द फॉर्मूला, which formula to apply in every equation. हम करते थे ना मैथ्स में कि अगर ऐसी इक्वेशन आई है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर ऐसी इक्वेशन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है. वो फॉर्मूला नहीं पता, या थोड़े से फॉर्मूला पता है, बाकी के नहीं पता. लेकिन वो सब फॉर्मूला आगे आने वाले एफोरिज्म में आने हैं, उनको समझेंगे कि क्या क्या फॉर्मूलाज दिए हुए हैं डॉक्टर हनुमान ने. सब दिया हुआ है, सब जवाब दिए हुए हैं. But with this kind of this अपना provings, with this kind of जो उन्होंने मेहनत की है, जो हमारा healing art है, ये mathematical science के बराबर आके खड़ा हो गया. It has become so sure कि अगर ये चीज ऐसे दी गई तो ये ठीक करेगी करेगी. So next is the third point of the business. So पहला था हमारा जहां पे हमने ये सीखा कि एक ट्रू पिक्चर ऑफ डिजीज जो है वो कैसे बनानी है, केस मेकिंग कैसे करनी है. सेकंड पॉइंट था हमारा प्रूविंग्स का. नाउ इज द थर्ड पॉइंट ऑफ द बिजनेस ऑफ अ ट्रू फिजिशियन रिलेट्स टू द जुडिशियस. द जुडिशियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट्स. अब हमारे पास नॉलेज ऑफ मेडिसिन है, हमारे पास नॉलेज ऑफ डिजीज है, दोनों है हमारे पास अभी, ठीक है ना. एफोरिज्म थ्री में हमने पढ़ा था कि नॉलेज ऑफ डिजीज भी चाहिए हमें, नॉलेज ऑफ मेडिसिन भी चाहिए, ये दोनों है हमारे पास. अब इनको कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स के ऊपर अप्लाई कैसे करना है. जुडिशियस एम्प्लॉयमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये हमेशा याद रखिएगा. जब भी क्लिनिक में बैठे हैं, एक भी पेशेंट आपके सामने आता है, हर पेशेंट के सामने से पहले ये वर्ड मन में दोहराइए कि यू हैव टू जुडिशियसली एम्प्लॉय द आर्टिफिशियल मॉर्फिक एजेंट्स. बड़े ध्यान से, बड़े पिकुलियर मैनर में जस्टिफाई होना चाहिए भी आपने दवाई क्यों दी है, आपको पता होना चाहिए भी आपने दवाई क्यों दी है. तुक्का नहीं, एक दो सिम्टम के ऊपर नहीं,
ना. सो यू हैव टू जुडिशियसली इंप्लॉय, द फिजिशियन रिलेट्स टू द जुडिशियस एम्प्लॉयमेंट. हर जगह जो मेहनत करता है फिजिशियन, जो सही करता है उसको हमेशा डॉक्टर हनम ने ट्रू फिजिशियन लिखा है. सही है ट्रू फिजिशियन, जो ट्रू फिजिशियन नहीं है वो गलत है. सिंपल सी बात है, ट्रू फिजिशियन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्होंने बताए हैं, पहले भी बताए हैं, हर बार बताते हैं. एक जो सच्चा फिजिशियन है वो क्या करता है. इसीलिए मावी सर ने जब स्टार्ट किया तो उन्होंने वर्ड दिया था राइट होम्योपैथी. राइट होम्योपैथी का ये मतलब नहीं है अभी हम ही सिर्फ सही करते हैं, नहीं, बहुत सारे करते हैं. एनी वन हु इज प्रैक्टिसिंग ऑन द एफोरिज्म्स ऑफ ऑर्गेनन, ही इज बेसिकली अ राइट होम्योपैथ, ट्रू फिजिशियन है वो. और जो भी उसके एक भी एफोरिज्म को बिना माने कर रहा है वो इसका ऑपोजिट है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है. ठीक है, और हमारे पास ये चॉइस होती है कि हमने कैसे फिजिशियन बनना है, सही के गलत. ऑर्गेनन उन्होंने लिख के दी हुई है, प्रिंसिपल्स लेड डाउन है. हम ये बहाना नहीं लगा सकते कि हमने पढ़ी नहीं है. है, पढ़ी है, वहां पे सामने पढ़ी है आपके पास. पढ़ाने तो हनुमान सर नहीं आएंगे, उन्होंने तो लिख गए. सो बिजनेस ऑफ अ ट्रू फिजिशियन रिलेट्स टू द जुडिशियस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट्स medicines that have been proved on healthy individuals to ascertain their pure action in order to effect the homeopathic cure of natural diseases. So, jo true physician hai wo in do knowledges ki judicious employment karta hai, sahi se samajh ke bade peculiarly bade particularly usko mehnat karke jo humne knowledge gain ki hai provings ke sath ki kaun kaun si dawai kaun kaun se symptom kaun kaun si cheezon ko theek karti hai. और जब हमें पेशेंट में वो चीजें देखने को मिलती हैं उसकी हम एम्प्लॉयमेंट करते हैं, उस नॉलेज को वहां पे यूज किया जाता है. विच आवर ऑफ दीज मेडिसिंस दैट हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड एज टू देयर पावर ऑफ ऑल्टरिंग मैन्स हेल्थ वी फाइंड टू कॉन्टेन इन द सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम इट्स यूज द ग्रेटेस्ट सिमिलैरिटी टू द टोटैलिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अ गिवन नेचुरल डिजीज. हमने जो भी मेडिसिन प्रूव की उसके पावर को देखने की कोशिश की, वो इंसान को कैसे ऑल्टर करती है. हमने उसमें क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी मेडिसिन, दिस मेडिसिन विल बी द मोस्ट सुटेबल मोस्ट सर्टेन होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द डिजीज. ठीक है, तो हमने वो जो सिम्टम्स देखे, जब एग्जैक्टली सिमिलरली वैसे ही सिम्टम्स हमें पेशेंट में मिलते हैं, फिर हमारे दिमाग में आता है कि ये रेमेडी एग्जैक्टली सुटेबल है इस पेशेंट के लिए. दो मिनट दीजिए मुझे, मैं केस पहले एक आपको दिखाते हैं. एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयरिंग जरा बंद कर रहा हूँ, दोबारा करता हूँ स्टॉप. तो ये कुछ दिन पहले डॉक्टर शीशा उनके रेफरेंस से केस आया था. तो
ये जो उनकी कंडीशन थी उस टाइम में। आशीष है ऑनलाइन? तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि पेशेंट की जो ऐसा था, जो फोन आया मेरे को कि शी इज बेसिकली नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। जो ऑक्सीजन SpO2 था वो अराउंड 50% 40% के बीच चल रहा था उनका पिछले एक दो दिन से, एंड इट वाज डिटेरियोरेटिंग। जो मैंने स्क्रीन शेयर कर ली ना, स्क्रीन शेयर है ना मेरे? यस तो जो SpO2 है वो ऐसे चल रहा था उनका, एंड शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीद विदाउट ऑक्सीजन, एंड उनको जो अंदर कंजेशन हुई हुई थी बहुत एक्सरे में आ रहा था, एंड डॉक्टर्स आर गिविंग ऑल काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड देर वॉज नो रिलीफ इन हर। तो जो एंड डॉक्टर्स आर टेलिंग कि आज का दिन देखेंगे, अगर कुछ ना हो पाया दिन में तो हम शाम को वी विल पुट हर ऑन वेंटिलेटर। और जो उन्होंने अपने जो उनके अटेंडेंट्स थे उनको बताया कि एक बार वेंटिलेटर पे चले गए तो 2-3 दिन से ज्यादा नहीं निकल पाएंगे इनके। ये इनकी कंडीशन थी उस टाइम। ऐसे केसेस में हमेशा चेस्ट को देखो, भाई चेस्ट में एफर्ट कितनी लग रही है। ठीक है, साउंड सुनो, साउंड कैसी है। मुझे भी नहीं पता कि पेशेंट है कहाँ पे थे, जो भी मेरी बात हुई फोन पे ही हुई थी हमारी बात। तो ये उनकी कंडीशन थी। अब हमने उनकी हिस्ट्री ली कि कैसे क्या हालत है उनकी। बोल रहे कि उनका कोई रिलेटिव था जो हिस्ट्री दे रहा था, बिकॉज मेरे ख्याल से उनके जो बच्चे वो उस टाइम वहां पे नहीं थे, एंड द हस्बैंड वाज नॉट इन अ कंडीशन टू टेल एनीथिंग। वो खुद बहुत घबराए हुए थे। तो जो उनका कोई रिलेटिव था वो दे रहा था इन्फॉर्मेशन, तो उसने बताया कि अभी कंडीशन बहुत बुरी है, भाई ऐसे बेहोश की तरफ को जा रहे हैं, उनको बीच में होश आता है चले जाता है, हाँ होश आता है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ब्रेन को प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, एंड और हाँ। तो फिर हम जैसे केस टेकिंग लेते हैं तो पूछा गया उनको भी कैसे कैसे। सो ऑल द थिंग वाज के स्टार्टिंग में जब हुआ ये सब शुरू हुआ सारा प्रोसेस 7-8 दिन पहले, शी वाज कंप्लेनिंग फॉर 2 डेज के मेरे को भी थकावट बड़ी हो रही है, भी मेरे को ऐसे मैं इतना चल लेती हूँ, वैसे प्रोसीडियर चल लेती हूँ, इतना काम कर लेती हूँ तो मेरे को, लेकिन थकावट बड़ी हो रही है। तो उन्होंने फीवर वगैरह चेक किया, कोई फीवर नहीं था, कुछ नहीं था उनको, लेकिन शी वॉज फीलिंग वीक। शाम उनका मेरे ख्याल से नेक्स्ट डे HP वगैरह चेक करवाया, वो भी ठीक था, अराउंड 10-11 था कोई। उसमें डॉक्टर बोला कि कुछ नहीं, इनको थोड़ा नारियल पानी जूस दो, हो जाएंगे ठीक, थोड़ा रेस्ट करने को बोलो, ओवर एग्जर्ट ना कर लिया हो। So, 2 दिन उनकी वीकनेस चलती रही। 3rd डे से शी स्टार्टेड हैविंग फीवर, फीवर विद कफ, और कफ वो जो थी वो बढ़ती गई पहले 2 दिन। So, 2 दिन वीकनेस रही, 2 दिन कफ रही, तीसरे दिन कफ जो है वो कम होनी शुरू हो गई, एंड चेस्ट कंजेशन बढ़ गई उनकी। ऑल्दो शी वॉज टेकिंग सम एंटीबायोटिक्स, और सब दवाइयां उनकी चल रही थी, तो कंजेशन जो है वो जैसे जैसे बड़ी, कफ जैसे जैसे कम हुई, तो जो उनका ऑक्सीजन लेवल था वो ड्रॉप डाउन होना शुरू हो गया। होते 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 शी केम टू दिस कंडीशन। अब ये है हमारे पास नॉलेज ऑफ डिजीज, ठीक है ना। पेशेंट की जो केस टेकिंग हमने ली उसमें जो भी उसका थर्मल थर्स्ट इस टाइम जो भी है, ठीक है ना, नॉलेज ऑफ डिजीज हमारे पास, नॉलेज ऑफ डिजीज हमारे पास है। हमारे पास मटीरिया मेडिका में भी नॉलेज ऑफ मेडिसिन पड़ी है। अब उनमें से हमने वो दवाई देखनी है जो इस स्टेट को, इस पूरी जर्नी को, जो 7-8 दिन की जर्नी है उसको कवर करती हो। हमने पहले भी ये बात की है एंटिम टाट के बारे में, कि एंटिम टाट में अब ये जो कंडीशन बनी हुई है
और भी मेडिसिन आ सकती हैं इसमें, मोनिएक्टम आ सकती है, काली सल्फ आ सकती है इसमें, इप्पिका का आ सकती है अगर नौशिया साथ में हो, ठीक है ना। लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ते हो एंटिम टाट को, तो उसमें लिखा गया है कि द बिगिनिंग स्टार्ट फ्रॉम वीकनेस, कमजोरी आती है सबसे पहले, जनरली कमजोरी बाद में आती है एक्यूट डिजीज में। किसी को बुखार चल रहा है, खांसी चल रही है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, खाना नहीं खा रहा बंदा प्रॉपरली, फिर वो वीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन एंटिम टाट का एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या है कि उसमें वीकनेस सबसे पहले शुरू होती है, इवन विदाउट एंड बिफोर फीवर, इवन विदाउट हेडेक, इवन विदाउट बिफोर सॉरी कफ, सब चीजों से पहले उसकी वीकनेस शुरू होती है, ठीक है। तो इनको एंटिम टाट 200 में देने के लिए कहा गया रिपीटेटिव डोजेस में, और ये उनकी नेक्स्ट डे की वीडियो है। कैसा कैसा लग रहा है? स्वागत ऑक्सीजन से उनको उतार लिया था, बीच बीच में देते थे उसको, वो भी डर की वजह से, डॉक्टर के एकदम से नहीं उतार सकते हम लोग। नेक्स्ट डे खाना है। खाने लग गए वो, बोलने लग गए, होश में रह रहे थे, SpO2 वाज बेटर, इट वाज अराउंड तो अच्छा एट, लग रहा है ना? अबाउट 85। बीपी वाज इंप्रूविंग, जो ड्रॉप हो रहा था अराउंड 60-40 पे ड्रॉप हो रहा था, अभी ठीक है बीपी भी। ये उनकी फिर मेरे ख्याल से उसी दिन की शायद फोटो या नेक्स्ट डे की फोटो है कि शी वाज बेटर, मेरे ख्याल से अभी तो डिस्चार्ज वगैरह भी हो गया। तो कहने की बात ये, अगेन आगे एक एफोरिज्म आएगा, पढ़ेंगे फुटनोट, आपने पहले भी उसके बारे में सुना हुआ है। बार बार एक बात मैं भी रिपीट करता हूं कि होम्योपैथी में तो पावर है ऐसे कंडीशंस को भी ठीक करने की, इंसान जा रहा है मर रहा है उसको भी वापस ले आती है होम्योपैथी, थ्रेटेंड डेथ के लिए दवाइयां हैं हमारे पास, ठीक है, जहां पे डेथ पता है अभी बंदा मर रहा है उसके लिए भी दवाइयां हैं, वहां से भी इंसान को खींच के ले आती है। द थिंग इज अबाउट नोइंग दीज फॉर्मूलाज, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, ये नॉलेज ऑफ डिजीज और नॉलेज ऑफ दिस मेडिसिन, इसके बीच में कौन सा फॉर्मूला डालें कि उसका जो रिजल्ट है वो क्योर के रूप में आ जाए, ठीक है ना। सो द मोस्ट सर्टन होम्योपैथिक रेमेडी, तो हमें एक कंडीशन मिली है इस केस में एग्जैक्टली के वीकनेस हुई जी, फीवर हुआ, कफ हुआ, कफ के बाद वो रेटलिंग में चेंज हो रही है धीरे धीरे करके, कफ के बाद कंजेशन होनी शुरू हो गई, एंड द पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड्स डेथ, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक कोई भी दे जा रहे हो, म्यूकोलिटिक्स कुछ नहीं निकल रहा था, बिकॉज इट हैज प्रोड्यूस्ड अ कंडीशन ऑफ पैरालिसिस ऑफ द लंग, लंग का ही पैरालिसिस हो गया तो वो बाहर कैसे निकालेगा। एंड वी नो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है मटेरिया मेडिका, हमने अच्छे से उसको समझा हुआ है, हमने ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस किया हुआ है, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ मटेरिया मेडिका पढ़ना कैसे, कि इमेजिनेशन में पढ़ना है, वो इमेजिन कीजिए उन सिम्टम्स को पेशेंट्स के ऊपर कि वो कैसे अपने आप को शो करेंगे। अगर ऐसे हमने ये प्रैक्टिस की हुई है बार 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 बार, देन ओनली वी कैन गिव सच काइंड ऑफ रिजल्ट्स, फिर हमको याद आ जाता है कि हाँ ये जो चीज थी ये मैंने ऐसे पढ़ी थी, ऐसे देखी थी होती हुई, अब इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। देन वी अप्लाई द मोस्ट सर्टेन होम्योपैथिक रेमेडी। अब ये दोनों कंडीशंस सिमिलर हैं, जो हमने पढ़ा और जो हमारे सामने डिजीज में है, दे आर सिमिलर, तो जब वो सिमिलर होता है देन यू विल बी मैथमेटिकली श्योर कि आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। हम श्योर कब नहीं होते, जब हमारी नॉलेज दोनों तरफ से कहीं से लैग कर रही है, या तो हम डिजीज को नहीं अच्छे से समझ पा रहे, डिजीज प्रोसेस को, या रेमेडी को नहीं अच्छे से समझ पड़ा, फिर हमारा वो फॉर्मूला नहीं सेट होता।
सो इन इट इज फाउंड द स्पेसिफिक रेमेडी ऑफ दिस केस ऑफ डिजीज. तो हमें फिर वो रेमेडी मिल जाती है इस केस ऑफ डिजीज की. कहीं पे हनीमन सर ने डिजीज नहीं लिखा. अगर आपको कोई बोलता ना ये इस बीमारी की दवाई है जी होम्योपैथी में, स्पेसिफिक रेमेडी ऑफ दिस केस ऑफ डिजीज, नॉट डिजीज, ईच इंडिविजुअल केस. बड़े ध्यान से लिखा हुआ है हनीमन सर ने एक एक शब्द, लेकिन हमें भी उतने ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है जितने ध्यान से उन्होंने लिखा हुआ है. कहीं पे नहीं लिखा हुआ जी इसकी ये दवाई है, इस बीमारी में ये दवाई दे दो. वो उल्टा वो बोलेंगे आगे जाके कि जो ये जो तुम कर रहे हो ना इससे बड़ा पाप कोई नहीं है. अ मेडिसिन सिलेक्टेड इन दिस मैनर विच हैज द पावर एंड द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस सिम्टम्स द मोस्ट सिमिलर पॉसिबल टू द डिजीज टू बी क्योर्ड, कॉन्सिक्वेंटली अ सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज given in a suitable dose affects in its dynamic action on the morbidly deranged vital force of the individual. और जब ऐसी medicine select की जाती है, जैसे हमने अभी example लिया, वैसे medicine select की जाती है, बोल रहे हैं ये जो medicine है, ये जो artificial disease produce करेगी, वो dynamically करेगी उस vital force के ऊपर individual की. Those very parts and points in the organism now suffering from the natural disease and produces in them its own artificial disease. वो अपनी artificial disease produce करती है, जो हमने पहले भी phenomena समझा हुआ है, उसी को revise करवा रहे हैं हनीमन सर यहाँ पे. थोड़ा और detail में आगे footnote में आएगा, जो हम अभी तक बात करते आ रहे हैं. Which on account of its great similarity, क्योंकि उसकी similarity great है, उसकी power ज़्यादा है, strength ज़्यादा है, and prepondering strength. Occupies precisely the seat hitherto occupied by the natural morbid derangement. वो उसको हटा के अपनी जगह वहां पे बना लेती है. So that the instinctive automatic vital force is from that time forward no longer affected by the natural disease. तो उसको replace कर देती है और जो हमारी vital force है वो natural disease से आजाद हो जाती है. And now is only affected by the stronger सिमिलर मेडिसिनल डिजीज. अब वो सिर्फ मेडिसिनल डिजीज के साथ अफेक्टेड है. विच इन इट्स टर्न ऑन अकाउंट ऑफ द स्मॉल डोज ऑफ द रेमेडी. और जब उसकी बारी आएगी, क्योंकि हमने बहुत स्मॉल डोज दी हुई है दवाई की, लाइक एवरी मॉडरेट मेडिसिनल डिजीज ओवरकम बाय द इंक्रीज्ड एनर्जी ऑफ द वाइटल फोर्स. जब भी हम कोई भी मेडिसिन देते हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली होम्योपैथिक मेडिसिन, एनी मेडिसिन, चाहे वो एलोपैथिक है चाहे कोई भी है, it will always produce a moderate medicinal disease. हमेशा करेगी. उसके बिना मैंने जैसे आपको पहले बोला, अगर किसी मेडिसिन में पावर ही नहीं है हेल्थ को अफेक्ट करने को, ठीक भी नहीं कर सकती. ये एक प्रिंसिपल है. ये जो लोग एंटी एलर्जिक्स लेते हैं, वो एंटी एलर्जिक उनको अफेक्ट करती है. उन्होंने एक बार ली गोली, ड्राउजीनेस होती है उनको, हालांकि उस बीमारी के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं. हिस्टामिन, जो किसी को रैशेज निकले, किसी को छीके आ रही हैं, किसी को कुछ भी है, सब कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम, उस एलर्जिक प्रॉब्लम से उस ड्राउजीनेस का कुछ नहीं लेना देना. वो एक नया सिम्टम प्रोड्यूस कर देती है. नया क्यों करती है? क्योंकि इट इज बेसिकली कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस, अलग है, वो सिमिलर नहीं है, तो अलग सिम्टम प्रोड्यूस करती है. बट अगेन उसमें भी वो जो सिम्टम प्रोड्यूस किया गया है वो टेम्परेरी होता है, क्योंकि वो मेडिसिनल डिजीज होती है. ठीक है ना? लाइक एवरी मॉडरेट मेडिसिनल डिजीज, जैसे हर मॉडरेट मेडिसिनल डिजीज का जो एक्शन होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, ओवरकम बाय द इंक्रीज्ड एनर्जी ऑफ द वाइटल फोर्स. इसीलिए एक दिन आपने सिट्राजिन ली, किसी ने भी ली, तो थोड़ी ड्राउजीनेस होती है, ऐसे थोड़ा बंदा होता है सो जाए, एक दिन एक आधा दिन असर रहता है उसका, फिर इंसान ठीक हो जाता है. जैसे ही मेडिसिनल डिजीज कि पावर खत्म होती है, वाइटल फोर्स उसको ओवर पावर करती है. सून सिमिलरली विद एंटीबायोटिक, जो लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं फीवर में, पेट के ऊपर असर करती है, भूख चली जाती है, ये उसका असर है. ठीक है ना? बड़े लोगों में उसके कोई और इफेक्ट्स आ जाते हैं, नौशिया शुरू हो जाता है, उसका असर है. लेकिन जैसे ही आप उसको बंद करोगे तो विद इन 1-2 days, 3 days उसका जो एक्शन है चला जाएगा, क्योंकि वाइटल फोर्स स्ट्रांग होकर उसको ओवर पावर कर लेगी. प्रॉब्लम तब आती है व्हेन इट इज टेकन फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम्स, जो कि हम होम्योपैथी में करते ही नहीं. होम्योपैथी में भी ऐसे सिम्टम्स बन सकते हैं जो लोग
प्रैक्टिस ही ऐसे करते हैं, लार्ज डोजेज, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. या ले लो जी नक्सवामी का सुबह दोपहर शाम लो, बाद में कभी और दवाई ले लो. दिस इज नॉट होम्योपैथिक प्रैक्टिस. ऐसे नहीं होता. जहां पे उसकी जरूरत नहीं है रिपीटेशन की, वहां पे रिपीट नहीं की जाती दवाई. ये भी आगे लिखा हुआ है, अराउंड 240 एवरेजम के पास जाके ये बात आएगी रिपीटेशन ऑफ डोज के ऊपर. So, हमारी मेडिसिन ने उस नेचुरल डिजीज को साइड में किया, अपनी जगह बना ली वहां पे. एंड इट इज बिकॉज ऑफ मॉडरेशन, बहुत स्मॉल डोज है तो वाइटल फोर्स उसको ओवर पर पावर करके रिमूव कर देती है एंड सून स्पॉन्टेनियसली डिसअपीयर्स, लीविंग द बॉडी फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज, दैट इज टू से हेल्दी एंड परमानेंटली क्योर्ड. ऐसे वो क्योर हो जाती है. व्हेन द सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी has been thus selected and rightly employed, the acute disease we wish to cure, even though it be of a grave character. ये अभी हमारे पास एक grave character की acute disease थी. grave character मतलब इंसान death की तरफ जा रहा है, grave की तरफ जा रहा है वो. ठीक है ना, बोले कि अगर grave character की भी है लेकिन दवाई आपकी suitable homeopathic remedy है, has been thus selected and rightly employed, उसको सही तरह से आपने employ कर दिया, the acute disease we wish to cure, even though it be of a grave character and attended by many sufferings, बहुत सारी sufferings है उसमें, subsides insensibly in few hours, कुछ ही घंटों में वो जाने शुरू हो जाती है, if it be of a recent date, अभी अभी की है, 6-7 दिन ही हुए शुरू हुए, 4-5 दिन, 2-3 दिन ही हुए शुरू हुए, कुछ ही घंटों में जाने शुरू हो गई, in a few days, if it be of a somewhat longer standing, कुछ दिन लग सकते हैं, कोई लंबे समय से चल रही है, 1 महीने से टाइफाइड चल रहा है, 1.5 महीना होगा टाइफाइड चलते हुए, वायरल चल रहा है 1-1.5 महीने से, खांसी चल रही है 1 महीने से, कुछ दिनों में, 2-3 दिन में, 4 दिन में रिसीड बैक होनी शुरू हो जाएगी, along with all traces of indisposition, और ये नहीं भी कुछ ही पार जाएगा, हर ट्रेस जाएगा उस इंडिस्पोजिशन का, हर सिम्टम जाएगा, एंड नथिंग और ऑलमोस्ट नथिंग मोर ऑफ द आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीजेस परसीव्ड. और जो आर्टिफिशियल मेडिसिनल डिजीज प्रोड्यूस की है उसका भी कुछ नहीं रहेगा पीछे. देयर अकर्स बाय रैपिड इम्परसेप्टिबल ट्रांजिशन, इम्परसेप्ट, आपको पता भी नहीं लगता कब इसको चेंज में आने शुरू हो गया, कब उसने एकदम से उसको ट्रांसफर करना शुरू कर दिया. इम्परसेप्टिबल ट्रांजिशंस, रैपिड बहुत तेज और इम्परसेप्टिबल ट्रांजिशंस, नथिंग बट रिस्टोर्ड हेल्थ रिकवरी. और हमें उसमें हेल्थ वापस आती दिखेगी, रिकवरी होती हुई दिखेगी. डिजीजेस ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग एंड स्पेशली सच एज आर ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड करेक्टर रिक्वायर फॉर देयर क्योर अ प्रोपोर्शनेटली लॉन्गर टाइम. ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग स्टैंडिंग करेक्टर की है, कॉम्प्लिकेटेड करेक्टर की है, क्रॉनिक करेक्टर है, उसको उतने ही प्रोपोर्शनेटली उतना ही लंबा समय लगेगा. मोर स्पेशली डू द क्रॉनिक मेडिसिनल डिस्क्रेशिया. और अगर मेडिसिनल डिस्क्रेशिया है, मेडिसिनल डिजीज है, तो सो ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय एलोपैथिक बंगलिंग अलोंग विद द नेचुरल डिजीज लेफ्ट अनक्योर्ड बाय इट रिक्वायर अ मच लॉन्गर टाइम फॉर द रिकवरी. क्योंकि वहां पे नेचुरल डिजीज भी है, मेडिसिन के साथ बंगलिंग भी की गई है, मेडिसिनल डिजीज भी प्रोड्यूस की गई है, तो और भी लंबा समय लगेगा रिकवरी के लिए. लेकिन कहीं पे भी ऐसे नहीं है भी रिकवरी नहीं हो सकती, हो सकती है रिकवरी. ऑफन इनडीड आर दे इनक्योरेबल, वो इनक्योरेबल ही है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द शेमफुल रॉबरी ऑफ द पेशेंट स्ट्रेंथ एंड जूसेस, द प्रिंसिपल फीट परफॉर्म्ड बाय एलोपैथी इन इट्स सो कॉल्ड मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट. रह गया बीच में कुछ, कुछ तो रह गया, एक पार्ट पे रह गया, एक मिनट, कुछ रह गया, एक फुटनोट था वो नहीं आया अभी तक. वन फोर्टी एट का फुटनोट नहीं आया, 1 48 का एक फुटनोट है वो नहीं हमने.
चलिए, सो मैंने थोड़ा सा इसी पे कर लिया, जिसको थोड़ा फास्ट करना था तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं. दिस इज बेसिकली फुटनोट टू एफोरिज्म 148. ठीक है, ये हमारा बीच में मिस हो गया थोड़ा. सो पहले 148 थोड़ा रेफरेंस लेते हैं, जहां पे हम बात कर रहे थे कि जब हम मेडिसिन प्रॉपर वे में देते हैं तो जो जो उन्होंने प्रोसेस समझाया कि कैसे, एक बार रिवाइज कराया कि कैसे ओवरकम कर जाती है हमारी जो मेडिसिनल मेडिसिनल डिजीज है वो नेचुरल डिजीज को. द नेचुरल डिजीज इज नेवर टू बी कंसिडर्ड एज अ नॉक्सियस मटीरियल सिचुएटेड समवेयर विद इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ मैन. दो बातें कि जो नेचुरल डिजीज है उसको बोल रहे कभी भी ऐसे नहीं समझना कि कोई मटेरियल है, कोई बीमारी प्रोड्यूस करने वाला मटेरियल है, ये मटेरियल नहीं समझना इसको कभी भी. विच इज सिचुएटेड समवेयर विद इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द मैन. मेडिकल साइंस ने सबसे बड़ी गलती यहां पे कर ली, जिसने पहला स्टेप ये रखा कि कोई भी पेशेंट ठीक नहीं हो सकता. वो सबसे बड़ी गलती ये की कि मैटर में डिजीज कॉजेज ढूंढने की सबसे बड़ी गलती हुई है. बट एज वन प्रोड्यूस्ड बाय एन इनिमिकल स्पिरिट लाइक कंसेप्चुअल एजेंसी. बहुत ही प्यारा वर्ड है कंसेप्चुअल. कंसेप्चुअल क्या होता है अगर आप उसको देखेंगे, इट इज बेसिकली रिलेटेड विद मेंटल आइडियाज. कंसेप्चुअल इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद योर मेंटल आइडियाज. यहां से आ रहा है सारा कुछ, हमारे मेंटल आइडियाज से. प्रोड्यूस बाय एन इनिमिकल स्पिरिट लाइक कंसेप्चुअल एजेंसी. इनिमिकल है ये बीमारी प्रोड्यूस करने वाली. स्पिरिट लाइक डायनेमिक है, इसका कोई मटेरियल फॉर्म नहीं है हमारे थॉट की आइडिया की, कंसेप्ट है. मैं ये वर्ड हम काफी बार यूज कर चुके हैं डिस्कशन में कि दीज आर ऑल ओवर कंसेप्ट. हमने कंसेप्ट बिठाए हुए हैं दिमाग में और ये जो कंसेप्ट हैं यही हमारी इनिमिकल स्पिरिट लाइक एजेंसी है. Which like a kind of infection. Now this is infectious. Infection है. कोई इंसान आपके पास बैठा अपना कोई ना कोई आइडिया से थॉट से उसके ओरिजिन होके कोई इरिटेबल बात कर रहा है, कोई गुस्से वाली बात कर रहा है, तो आप भी इन्फेक्ट हो जाओगे उस चीज से. आपको भी गुस्सा आएगा उसके पास बैठ के, आप भी इरिटेट हो रहे हो उसी बात के साथ. इन्फेक्शियस होती है. कोई अच्छी बात करेगा आपको अच्छा लगेगा, वो भी इन्फेक्शियस है. क्यों? क्योंकि एक आइडिया या थॉट की एक पावर है कि वो इन्फेक्टिव है. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे जो थॉट्स हैं मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, वो किसी ना किसी तरह से आपको इन्फेक्ट करेंगे. ये उनकी एक पावर है, ये उनकी एक क्वालिटी है कि वो कैसे एक्ट करते हैं और क्या करते हैं. लाइक अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन डिस्टर्ब्स इन इट्स इंस्टिंक्टिव एग्जिस्टेंस
ऑफ द स्पिरिट लाइक कंसेप्चुअल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, वो हमारी वाइटल फोर्स को वैसे ही स्पिरिट लाइक वे में, कंसेप्चुअल वे में खराब करना, डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं विद इन द ऑर्गेनिज्म, टॉर्चरिंग इट एज एन इविल स्पिरिट एंड कंपेलिंग इट टू प्रोड्यूस सर्टेन एलिमेंट्स, कंपेल कर रहे हैं उसको कि कोई ना कोई एलिमेंट्स बना के बाहर भेजे, एंड डिसऑर्डर्स इन द रेगुलर कोर्स ऑफ इट्स लाइफ. इससे क्लियरली कोई कॉज ऑफ डिजीज बता ही नहीं सकता, कॉजेशन ऑफ डिजीज है कहां पे, इससे क्लियरली नहीं कोई भी बता सकता. दीज आर नोन एज सिम्टम्स और डिजीज. इफ नाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इनिमिकल एजेंसी, कौन सी इनिमिकल एजेंसी, ये जो स्पिरिट लाइक कंसेप्चुअल एजेंसी चल रही है ना, इनिमिकल एजेंसी दैट नॉट ओनली कॉज्ड, सिर्फ कॉज नहीं किया उसने बट स्ट्राइव्स टू कंटिन्यू दिस ऑर्डर, लेकिन उसका पूरा जोर लगा हुआ है कि इस डिसऑर्डर को कंटिन्यू भी रखना है, कॉन्स्टेंट भी रखना है इसको बना के. बी टेकन अवे एज इज डन व्हेन द फिजिशियन एडमिनिस्टर्स एन आर्टिफिशियल पोटेंसी. और इसको दूर किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, जब एक फिजिशियन एडमिनिस्टर करता है आर्टिफिशियल पोटेंसी कैपेबल ऑफ, जब आप इस सारे प्रोसेस को समझते हो फिर आपको पता लग जाता है कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंस है, आइडिया है, थॉट है, उससे क्या बन रहा है हमारा, क्या निकल के आ रहा है बाहर, एक बिहेवियर बन रहा है हमारा, एक हार्डन्ड बिहेवियर बन रहा है, हम वैसे ही बिहेव करते हैं, हम वैसे ही सोचते हैं, हम वैसे ही बिहेव करते जा रहे हैं. और वो बिहेवियर जैसे जैसे बन रहा है हम डिस्पोज्ड हो रहे हैं कि हम वैसे ही एक्ट करें, वैसे ही एक्ट करें हम. And this becomes our disposition. इसीलिए disposition बड़ी important बन जाती है. In आगे हमने पहले भी किया और आगे फिर से यही बात बार बार हनुमान सर बोलेंगे. उन्होंने अभी ये base रख दिया उस बात को कहने का यहाँ पे कि मैं बार बार क्यों ये बात बोलूंगा आपको कि disposition बड़ी important है, क्योंकि इस conceptual start का product है, ये conceptual बीज बोया गया था उसका ये product है. क्या हमारी dispositions, the way we behave, the way we do things. और जब उस चीज को सोच के समझ के एक artificial potency administer की जाती है capable of altering the life principle in the most similar manner a homeopathic medicine which exceeds in energy even in the smallest dose the similar natural disease, then the influence of the original noxious morbid agent on the life principle is lost. यहां तक दवाई काम कर जाती है, आपके विचारों पे आप कैसे सोचते हो वहां तक दवाई काम करती है, कि जो original noxious morbid agent था, हमारा जो conceptual agent चला आ रहा है उसका जो effect था, influence था हमारे principle के ऊपर, vital force के ऊपर, is lost during the action of the stronger similar artificial disease. और ये आप देखोगे patients में होते हुए जिन्होंने भी फिलोसफीज लिखी हैं, लेक्चर दिए हैं ऑर्गन के ऊपर, डॉक्टर कैंट हो गए, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज हो गए, डॉक्टर रॉबर्ट्स हो गए, हर किसी ने चीज मेंशन किया कि जब आप दवाई दोगे आप सबसे पहले उस इंसान में चेंज देखोगे आती हुई. मेरा भी रिसेंट का एक एग्जांपल है, आज की बात है, हमारे घर में कोई काम करते हैं तो उनके हस्बैंड को पीछे कुछ समय से एसाइटिस और लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम चल रही थी, को कोई मेडिसिन दी गई. आज वो मेरे को बता रहे थे कि आज 7 दिन हो गए उन्होंने गुस्सा नहीं किया, मैं कुछ भी उनको बोलती हूँ बड़े आराम से मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात समझते हैं, नहीं तो आगे मेरे को बोलता था मैं तेरा को मार दूंगा, तेरा गला काट दूंगा, तेरा गला दबा दूंगा, ऐसे बोलता था गुस्से में मेरे को, मेरी कोई बात बर्दाश्त ही नहीं होती थी उसको. लेकिन अभी पिछले 6-7 दिन से जब से वो दवाई हमने दी है तो बोले कि उसका जो गुस्सा है वो नहीं आता उसको बिल्कुल भी. आप यहां तक उसका असर देखते हो, और यहां तक होना भी चाहिए अगर क्योर होना है तो, जितनी देर तक कॉजेशन ही नहीं जा रही, जितनी देर तक ये जो ओरिजिनल नॉक्सियस मॉर्बिड एजेंट है इसके ऊपर ही नहीं असर हो रहा तो जो उसके इफेक्ट्स है उसके ऊपर कैसे असर हो जाएगा. और बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पे क्योर होते हैं, आप देखोगे इंसान ही बदल गया. देन्स द इविल no longer exists for the life principle.
फिर जो लाइफ प्रिंसिपल है उसके लिए कुछ भी इविल नहीं रहता, कुछ भी खराब नहीं रहता। और ये बड़ी छोटी छोटी बातों में ना बड़े बारीकी में डॉक्टर हनेमन ने छोटी छोटी चीजें छुपाई हुई हैं उन लोगों के लिए जो उसको ध्यान से पढ़ें। जितना हम बोलते ना कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है ना, वो जितना भी ईविल है, गलत है, वही बीमारी है। जितने भी हमारे कंसेप्ट्स में ये बात आती है भी ये तो गलत है, ये चीज तो गलत है, ये भी गलत है, हम जज कर रहे हैं चीजों को, और जितना हम वो चीजों में घुसते जाते हैं कि ये गलत है, गलत है, तो ही किसी चीज को सही कहेंगे ना, तो गलत सही में फंस जाता है इंसान। और जिस भी चीज को आप बोलो भी क्रिटिसिज्म गलत है जी, इंसल्ट गलत है, ये किसी के साथ ऐसे बिहेव करो वो गलत है, किसी के साथ वैसे वो बिहेव कर रहा है वो गलत है, ठीक है ना, बिहेवियर को नहीं गलत बोलते हम, उस से जो इंप्रेशन हमारे अंदर घुस रहा है उससे पीछे छुड़ाने को उसको गलत बोल देते हैं, ताकि हम रेदर देन अंडरस्टैंडिंग कि दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग मी बिकॉज ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज ऑफ माई सेंसिटिविटी, मैं इस चीज को ही गलत बोल देता हूं। दिस इज हाउ वी बिहेव, दिस इज हाउ वी बेसिकली काइंड ऑफ खुद को झूठ बोलते हैं, और वो जो ईविल है वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। ईविल ये नहीं है कि कोई बुरी चीज किसी ने डाल दी ला के, ना अंदर से ही बीज अंदर से ही लगाया है, बच्चों में भी लगा देते हैं कि ये बेटा ये गलत होता है ये सही होता है, वो बच्चा भी वैसे चल पड़ता है आगे, क्यों, क्योंकि इन्फेक्शियस है, इन्फेक्ट कर रहे हैं हम आगे आगे। It is destroyed. If, as has been said, the selected homeopathic remedies administered properly, then the acute natural disease, which is to be overruled if recently developed, will disappear unperceptibly in a few hours. जो acute disease है, कुछ ही घंटों में disappear हो जाती है, बिना पता भी नहीं चलता भी कहाँ गई. An older, more chronic disease will yield somewhat later together with all traces of discomfort by the use of several doses. Of the same more highly potentized remedy or after careful selection of one or another more similar homeopathic medicine. ठीक है ना, chronic cases में होंगे, हाँ हमें doses और देनी पड़ेंगी उसको, कुछ लंबे समय तक ठीक होगा, कभी कभी दवाई बदलनी भी पड़ेगी जब उसकी कोई नई पिक्चर चेंज होके आती है, लेकिन वो भी ठीक हो जाती है। Health recovery follow in imperceptible, often rapid transitions. बहुत rapidly transition होती है health की तरफ। The life principle is freed again. Vital force को free कर दिया जाता है बीमारी से, and capable of resuming the life of the organism in health. In health as before and strength returns. तो पेशेंट की जो पूरी स्ट्रेंथ है वो वापस आती है, हेल्थ की रिकवरी होती है, और पेशेंट फिर से पहले जैसा होना शुरू हो जाता है। तो फुटनोट टू एफोरिज्म 149, बट दिस लेबोरियस, समटाइम्स वेरी लेबोरियस सर्च for and selection of the homeopathic remedy most suitable in every respect to each morbid state is an operation which, notwithstanding all the admirable books for facilitating it, still demands the study of the original sources themselves, and at the same time a great amount of circumspection and serious deliberation which have their best reward in the consciousness of having faithfully discharged our duty. और ये बहुत laborious task है, कोई नहीं बोलेगा ये दिमाग से निकाल दो कि मेहनत किए बिना होम्योपैथी आ जाएगी। हनुमान सर ने पहले लिख दिया, शंका ही दूर कर दी कि कोई शॉर्टकट है, ठीक है ना। बट दिस लेबोरियस, समटाइम्स वेरी लेबोरियस, कभी कभी तो बहुत ही लेबोरियस होता है ये, जो सर्च करना है, सिलेक्ट करनी है होम्योपैथिक रेमेडी, इट इज अ लेबोरियस टास्क इन एवरी रिस्पेक्ट टू ईच मॉर्बिड स्टेट। चाहे हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं,
अब इसको समझने के लिए, बट इट स्टिल डिमांड्स द स्टडी ऑफ ओरिजिनल सोर्सेज देमसेल्व्स. जो ओरिजिनल सोर्स हैं, जो प्रूविंग्स हैं, उनको फिर से समझना पड़ता है. खुद प्रूविंग कर सकते तो और भी अच्छी बात है. एंड एट द सेम टाइम अ ग्रेट अमाउंट ऑफ सर्कमस्पेक्शन. सर्कमस्पेक्शन होती है कोई रिस्क ना लेना, कोई ऐसे फालतू में बेपरवाह होके, केयरलेस होके कोई रिस्क ले लेना, तो वैसा नहीं करना. दैट इज सर्कमस्पेक्शन. बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बड़े सीरियसली उस चीज को लेना पड़ता है. विच हैव देयर बेस्ट रिवार्ड. उसका रिवार्ड क्या मिलता है? द कॉन्शियसनेस ऑफ हैविंग फेथफुली डिस्चार्ज अवर ड्यूटी. हमें एक कॉन्शियसनेस रहती है, एक आराम रहता है जमीर को, एक सुकून रहता है कि हमने फेथफुली अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज किया है पूरी मेहनत के साथ. How could this laborious, care-demanding task, by which alone the best way of curing diseases is rendered possible, please the gentlemen of New Mongrel Sect. पढ़ा हुआ है ना मॉन्ग्रल सेक्ट के बारे में, सबने पढ़ा होगा, ठीक है ना. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि how could this laborious, care-demanding, ये जो इतना laborious, care-demanding task है, हमें पूरी care देनी पड़ेगी उसके लिए, by which alone the best way of curing disease is rendered possible. और इसी तरह से एक जो वे है, सिर्फ एक वे है क्योर करने का, उसको हम पॉसिबल करते हैं. प्लीज द जेंटलमैन ऑफ द न्यू मॉन्ग्रल सेक्ट टू अज्यूम द ऑनरेबल नेम ऑफ होम्योपैथिस एंड इवन सीम टू एम्प्लॉय मेडिसिन इन फॉर्म एंड अपीयरेंस होम्योपैथिक बट डिटरमिंड अपॉन बाय देम एनी हाउ एंड हु व्हेन द अनसुटेबल रेमेडी डज नॉट इमीडिएटली गिव रिलीफ in place of laying the blame on their unpardonable ignorance and laxity in performing the most important and serious of all human affairs, ascribe it to homeopathy. दो तरह के होम्योपैथ हैं. एक बोल रहा है जी होम्योपैथी तो ठीक करती है, मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरा ज्ञान थोड़ा कम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. और दूसरे होम्योपैथ हैं जो कहते हैं जी हमें ज्ञान तो बहुत है लेकिन होम्योपैथी में ना कमियां बहुत है, ये गॉलस्टोन नहीं निकाल सकती, ये कैंसर नहीं ठीक कर सकती, ये डाउन सिंड्रोम के बच्चे नहीं ठीक कर सकती, ये पालसीज नहीं ठीक कर सकती, इमरजेंसी केसेस में होम्योपैथी नहीं काम आती. उनके लिए डॉक्टर हनेमन ने वर्ड दिया है मॉन्ग्रल सेक्ट. मॉन्ग्रल सेक्ट होते जो क्रॉस ब्रेड डॉग्स होते हैं. अगर इस वर्ड्स की हार्शनेस को देखा जाए, वहां से डॉक्टर हनेमन के इमोशन के बारे में पता लगता है कि मैं, कुदरत ने मेरे को ब्लेस किया. वो उन्होंने शुरू में लिख दिया कि बाय हिज ब्लेसिंग, बाय द ऑलमाइटीज ब्लेसिंग्स, मेरे को एक वे मिला है, पाथ मिला है कि मैं लोगों तक ये चीज पहुंचा सकूं कि ये कैसे ठीक हो सकती है बीमारियां, और ये लोग आके उसको इम्प्योर कर रहे हैं. नाम भी अपना होम्योपैथ रख रहे हैं, होम्योपैथिक दवाइयां भी दे रहे हैं, लेकिन जब कोई अनसुटेबल रेमेडी, एक डिसिमिलर रेमेडी किसी को आराम नहीं देती. और वो आराम क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये लोग इग्नोरेंस में थे, इन्होंने पढ़ा नहीं, इन्होंने सीरियसली नहीं लिया इस टास्क को. तो वो रेदर देन टेकिंग द ब्लेम ऑन देमसेल्व्स, दे ब्लेम होम्योपैथी, विच दे एक्यूज. क्या एक्यूज करते हैं उसको? ऑफ ग्रेट इम्परफेक्शन. ये इम्परफेक्ट है ये होम्योपैथी. इफ द ट्रुथ बी टोल्ड, इट्स इम्परफेक्शन कंसिस्ट्स इन दिस. बोले हाँ, होम्योपैथी में एक इम्परफेक्शन है, मैं आपको सच्चाई बोलता हूँ. वो इम्परफेक्शन क्या है? द मोस्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी फॉर ईच मॉर्बिड कंडीशन डज नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लाई इन टू देयर माउथ्स. और एक इम्परफेक्शन जो सच्ची सच्ची मैं बता रहा हूँ आपको होम्योपैथी में, वो क्या है कि जो सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी है वो खुद उड़ के इनके मुंह में नहीं चली जाती. ये इसमें होम्योपैथी में इनपरफेक्शन है. अगर खुद उड़ के इनके मुंह में सही सही दवाइयां चली जाएं, इनके हाथों में सही सही दवाई उड़ के खुद अपने आप पहुंच जाए, तो ये ठीक कर ले. ये इनपरफेक्शन है होम्योपैथी में. फ्लाई इनटू देयर माउथ्स लाइक रोस्टेड पिजन्स विदाउट एनी ट्रबल ऑन देयर पार्ट. इनको कोई तकलीफ ना हो, बस इनको कोई ला के दवाई दे दे, ये वाली दे दो जी, उड़ के अपने आप दवाई आ जाए. दे नो हाउएवर फ्रॉम फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस how to make up for the inefficiency of the scarcely half homeopathic remedy by the employment of allopathic means. मतलब लेकिन इनकी ऐसी प्रैक्टिस है कि इन्होंने डिसीव किया हुआ है चीजों को,
और इनको पता है कि हमने अपनी इनएफिशिएंसी, अपनी कमियों को कैसे छुपाना है, क्योंकि मैंने जो होम्योपैथिक रेमेडी है वो हाफ होम्योपैथिक है, हाफ मतलब कि वो सिमिलिमम है ही नहीं, पार्शियल रेमेडी है, काम नहीं करेगी। मैंने सिम्टम ही एक उठाया उसके ऊपर दवाई दे दी, दो सिम्टम उठाए उसके ऊपर दे दी, तो वो क्या करेंगे फिर साथ में एलोपैथिक दवाइयां भी दे रहे हैं जी, तो जो कमियां रह जाती हैं ऐसी दवाइयों से वो साथ में एलोपैथी दे दो, दैट कम मच मोर हैंडी टू देम, अमंग विच वन और मोर डजन्स ऑफ लीचीज अप्लाइड टू द अफेक्टेड पार्ट, लीचीज अप्लाई कर रहे थे तभी, लिटिल हार्मलेस वेनी सेक्शंस टू द एक्सटेंट ऑफ 8 ounces, 8 ounces ब्लड निकाल देते थे, उसको बोलते थे लिटिल ये है वेनी सेक्शन है, एंड सो फोर्थ प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड शुड द पेशेंट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इसके बावजूद भी रिकवर, दे एक्सटोल देयर वेनिसेक्शन लीचेस एटसेट्रा अलेजिंग दैट हैड इट नॉट बीन फॉर दीज द पेशेंट वुड नॉट हैव बीन पुल्ड थ्रू, अगर हमने लीचेस ना लगाई होती तो पेशेंट ने बचना नहीं था, वेनिसेक्शन ना की होती पेशेंट ने नहीं बचना था, एंड दे गिव अस टू अंडरस्टैंड इन नो डाउटफुल लैंग्वेज दैट दीज ऑपरेशंस ड्राइव्ड विदाउट मच एक्सरसाइज ऑफ जीनियस फ्रॉम द routine of the old school in reality contribute to the best share towards the cure, aur wo aisi bhasha bana ke batate hain, aisi cheeze batate hain ki jo old school ka routine hai isi ne actual cure mein sabse zyada sahayata ki hai, but abhi ulta agar ho gaya, but if the patient die under the treatment as not unfrequently happens, not unfrequently matlab frequently ho raha hai ki jab mar jata hai patient they seek to console the friends by saying that they themselves are witness that everything conceivable had been done for the lamented deceased, to bolte hai wo udhar ko ghuma dete udhar ko deceive karte bhi aapke samne humne to sari effort laga di apni homeopathy allopathy leech yani section sab kar diya, who would do this frivolous and pernicious tribe the honor to call them after the name of very laborious but salutary art homeopathic physician, aur ek इनमें इतना जमीर भी नहीं है कि एटलीस्ट अपने आप को कोई और नाम दे ले, बोले होम्योपैथिक फिजिशियन भी कहना है खुद को और काम ऐसे करने हैं, इनके जमीर इनके ऑनर के ऊपर इनको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए। आगे की लाइन और भी हार्श है जो हमें डॉक्टर हनीमन के इमोशन के बारे में बात बताती है कि जो इंसान अभी तक सबके लिए सेहत की उम्मीद कर रहा है, सबके लिए सेहत मांग रहा है, पूरी ऑर्गेनन इसी के ऊपर बेस्ड है कि सेहत मांग रहे हैं वो सबके लिए, तो उनके मुंह से भी कहीं ना कहीं जाके वो इतने दुखी हुए कि उनके मुंह से भी ऐसे लोगों के लिए बददुआ निकल गई, मे द जस्ट रिकम्पेंसेट देम, बोले कि इनके साथ भी ऐसा ही हो, इनकी भी किस्मत में ऐसा ही हो दैट व्हेन टेकन इल दे मे बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर, कि जब ये लोग बीमार हो तो इनका भी ट्रीटमेंट इसी तरीके से हो, दर्द उनको ये नहीं था कि ये लोग ऐसे काम करें, दर्द उनको यही था कि इंसानियत के लिए इतनी अच्छी चीज है ये लोग उसको खराब कर रहे हैं, इंसान को बीमारियों से बचाने के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए एक इतना अच्छा टूल कुदरत ने हमें दिया है और ये उसको खराब कर रहे हैं, उसका नाम खराब कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, और ये अभी तक चलता आ रहा है। अभी तक हनीमन सर ने किसी बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं दी और ये स्टोरों में फॉर्मूले पड़े हुए हैं, ये जी टॉन्सिलाइट टॉन्सिलेड के क्या एड के, और ये सब ये उसी के लिए है एफोरिज्म। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हम बीजेंगे वही हम खाएंगे, आप जानबूझ के जानते हुए भी ये चीज तो अनजाने में भी नहीं करनी चाहिए जो जानबूझ के हो रहा है, जानबूझ के आप सेहत लोगों की के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, खिलवाड़ है क्योंकि पता है वो आप जो बीज लगा रहे हो उसी का कहीं, और मैंने बहुत से होम्योपैथ्स देखे हैं जो ऐसा करते हैं और उनका क्या हाल है जीवन का, ठीक है पैसे होंगे गाड़ी होगी
लेकिन जो हाल है जीवन का, पैसे गाड़ी में कोई खुशी नहीं है। अगर आप आज हम यंग होते हैं ना, तो पैसा हो तो खुशी खुशी ना, पैसे गाड़ी में खुशी नहीं होती। खुशी ये जो हनुमान सर ने लिखा हुआ है ना, एक मिनट, ये जो पार्ट लिखा है, जो असली खुशी है इसमें है, जब आपको अंदर एक खुशी है, एक कंटेंटमेंट है कि मैंने किसी के लिए कुछ कर दिया, किसी के लिए। दुनिया सारी अपने लिए करने में लगी हुई है। वी हैव फेथफुली डिस्चार्ज अवर ड्यूटी, एक्चुअल खुशी वहां पे जाके मिलती है। सारी उम्र इंसान बहुत कुछ इकट्ठा करता है और अंत में, कब मैंने आपको पहले ही बोला था, रास्ते में जाते हो ना, लोगों की शक्लें देखना, देखो एक बार शक्लें लोगों की, इतने दर्द होता है ना हर किसी की शक्ल में, खोए हुए हैं सब। क्योंकि खुशी हमारा बेसिक ट्रेट है, हम लेके पैदा हुए थे खुशी, हमने खो दी है और ऐसे ही खोई है। और ये जो बीज लगाते हैं, इसका जो फल निकल के आता है, कांटे लगाएंगे, कैक्टस लगाएंगे तो कैक्टस ही निकलना उसमें से, कैक्टस लगा के ये थोड़ी भी आम लग जाएंगे उस पे, और फिर उसके कांटे चुभेंगे, सारी उम्र चुभेंगे। इसलिए पैसा कमाना, कुछ ऐसा बिजनेस करो जहां पे पैसा हो। होम्योपैथी विल गिव यू मनी, लग्जरी सब कुछ देगा, नाम वगैरह ये सब, लेकिन देर आर नो शॉर्टकट्स इन इट, कुछ कोई शॉर्टकट नहीं है, भूल जाओ शॉर्टकट को। If money is the aim, then there are so many businesses which can make money for you. If doing good for humanity is the aim, then this is the only occupation which can provide you with that happiness that you are doing something for people. So if a patient complains of ये नेक्स्ट टाइम से शुरू करेंगे, यहां से फिर ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनम का पार्ट यहीं पे हम करते हैं खत्म, और थोड़ा सा नाजा को की तरफ चलते हैं। सो देयर वाज अ केस, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ, केस के बारे में। सो तो पिछले 1-1.5 साल से, मेल है, 45 years old, पिछले 1-1.5 साल से उनको डिप्रेशन है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ही फील्स कि मुझे जीना नहीं है, ठीक है, अगर मैं किसी का सही करूं तो मेरे को रिस्पांस नहीं मिलता, गलत हो जाता है मेरे साथ, मैं कुछ अचीव करना चाहता हूं लेकिन चीजें अचीव होती नहीं मेरे से। फिर स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है तो फिर ऐसे महसूस होता है सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो गया है। देयर इज मेमोरी वीकनेस, देयर इज हेयर फॉल, ब्लोटेड एब्डोमेन, कोई भी विचार जो है दिमाग में चलता रहता है, एंड इट ओवरपावर्स हिम, नंबनेस ऑफ हिप एरिया, एपेटाइट इज रिड्यूस्ड, चिल्ली हैं, थर्स्टलेस हैं, 2-3 साल से जो एपेटाइट है वो कम होती जा रही है, वेट भी थोड़ा कम होता जा रहा है, नेचर जो है इज माइल्ड बेसिकली, ठीक है, उनको ज्यादा जल्दी गुस्सा नहीं आता उनको, और अगर आता भी है ही डज नॉट एक्सप्रेस मच दैट एंगर। इंटरेस्ट बहुत है, शौक बहुत है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है पूरे करने के लिए, ठीक है, डिसीजन नहीं जल्दी से ले पाते लोगों के साथ, ठीक है, ठंडा स्वभाव है जी मेरा, पंजाबी में थोड़ा ठंडा स्वभाव है, कूल हूँ चीजों को लेके,
कोई कुछ कर भी देता है तो मुझे ज्यादा जल्दी गुस्सा नहीं आता. एंड द ऑक्यूपेशन विच ही इज इन इज बेसिकली इज एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन. सो थोड़ा सा नाजा को समझते हैं, इनको नाजा दी गई थी. जब इनकी पूरी हिस्ट्री दी है, चलो इसके ऊपर मैं थोड़ा उसमें और ऐड ऑन करता हूँ. ही हैज आई थिंक टू चिल्ड्रन, दो बच्चे हैं. फिकर रहती है कि उनके लिए मुझे कुछ कमाना चाहिए जीवन में, मैं उतना कमा के नहीं दे पा रहा हूँ उनसे. वाइफ है, वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहता. ऑल दो वो समझदार है, मेरी बोल रहा कि मेरी प्रॉब्लम को लेके, मेरी डिजीज को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं वो टोकती रहती है, वो पीछे को खींचती रहती है मेरे को नहीं होता. और मैं जितनी मेहनत करता हूँ, जितना मैं आउटपुट देता हूँ अपना, मुझे रिजल्ट नहीं मिलता उसका. कहीं ना कहीं वो चीज खराब होती जाती है. और बोला कि अभी कुछ सालों से मेरा विश्वास यही बैठ गया कि मैं बेसिकली कुछ कर ही नहीं सकता, और तब से मुझे ये सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हुए. आई एम गोइंग इन टू दैट पार्ट. तो नाजा ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा, क्योंकि इस केस के साथ ही रिलेट करना था इसको, बहुत किसी दिन करेंगे इसको अच्छे से, क्योंकि मेरे को जो पार्ट हमने आज करना है दैट इज बेसिकली हाउ द डिप्रेशन ऑफ नाजा इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द डिप्रेशन ऑफ अदर रेमेडीज. ये हमने डिफरेंशिएट करना है. एक जो नाजा पेशेंट जब डिप्रेसिव फेज में होता है, तो व्हाट विल बी द थिंग्स व्हिच यू विल सी इन देम. दे आर इंटेलिजेंट पीपल, जनरली इंटेलिजेंट पीपल क्विक चीजों को समझने में, चीजों को करने में वेरी कंसेंशियस. कंसाइंस बहुत डीप होती है इसकी. कोबरा है, इंडियन स्नेक है, ठीक है, कंसाइंस बहुत डीप है इसकी. और कहीं ना कहीं यही जो है इसकी बीमारी का भी पार्ट बन जाता है. द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज द सेल्फ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या होती है, हम बोलते हैं ना ये प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट होगी, कार की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट होगी, कम हो रही है वैल्यू. डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन दी वैल्यू, अपनी ही वैल्यू को रिड्यूस करता जाता है. उनको मेरी क्या जरूरत पड़ती है जी, वो कर लेंगे अपने आप, मेरी क्या जरूरत पड़नी है उनको. मेरी वैसे भी किसी को जरूरत, जब ये आ जाता है ना कि मेरी किसी को भी जरूरत नहीं, फिर ये जाता है इसमें डिप्रेशन. लेकिन कर खुद ही रहा है, लोग बोल रहे हैं आ जा साथ में, ओ चलो मेरे बिना कौन सा आपका काम नहीं होगा, आप जाओ, ठीक है ना. सो यू विल फाइंड देम टू बी कॉन्टिन्यूसली डी डेप्रिशिएटिंग एट देमसेल्व्स. अपनी जो वैल्यू है समाज में, सोसाइटी में, घर में, वो खुद उसको कम करते रहते. He feels anything he touch will change into misfortune. ये एक बहुत बड़ा डर होता है इसका पीछे, failure का, misfortune का. सोचता रहता हूँ चीजों को बैठ के, imagines misfortunes के ये काम में, ये मेरा इलेक्ट्रिशियन का काम है, कल को मेरे को करंट लग गया, डेथ होगी, मेरे बच्चों का क्या हो जाएगा, ठीक है ना. बच्चे जाते हैं जी ऐसे, कोई रास्ते में कुछ अनहोनी होगी, फिर क्या होगा, ये इतना घर आया मैंने बनाया, इसको आग लग गई, फिर क्या होगा, फिर क्या करेंगे. सो ही इज कॉन्टिन्यूसली इन टू दैट स्टेट. एक डर बना हुआ है मिसफॉर्चून का, कभी भी कोई भी मिसफॉर्चून मेरे ऊपर आ सकता है. नाउ ये क्या है, ये कंसेप्ट बन गया जीवन का कि मिसफॉर्चून हो सकता है. कंसेप्ट कहां से आया, फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ फॉर्चून, कि ये हमने फॉर्चून बना लिया है तो भी मिस तो हो ही सकता है कहीं ना कहीं. फॉर्चून का भी कंसेप्ट ही है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होना ही है जीवन में. देयर इज चेंज गोइंग ऑन इन द लाइफ. योर लाइफ इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द चेंजेस अराउंड यू. जो हमारे आसपास चेंजेस हो रही हैं, कोई आपके जीवन में आया, सारी उम्र थोड़ी आपके जीवन में रहेगा इंसान. कोई चीज आपके जीवन में आई, वो सारी उम्र थोड़ी आपके जीवन में रहने वाली है. थिंग इज वी गेट अटैच टू दीज आइडियाज, वी गेट, और जब उन आइडिया से सेपरेट होने का टाइम आता है, या हमारी सोच में हम सेपरेट होते हैं. घर के साथ भी बहुत अटैच्ड है, बहुत अटैच्ड अपने घर के साथ, तो अपने आप ही दिमाग में आइडिया गया, यार घर टूट गया, फिर आग लग गई, फिर कल को मैंने कोई लोन ले लिया, उसका मेरे सर कर्जा चढ़ गया, घर बेचना पड़ा, फिर इसलिए अरे बिकॉज यू आर टू अटैच टू दैट थिंग. बहुत अटैचमेंट हो गई उस चीज के साथ. एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग
गेटिंग दीज आइडियाज ऑफ मिस फॉर्च्यून, बिकॉज यू आर सो मच इन लव विद योर फॉर्च्यून. जो कुछ भी है, छोटा मोटा जो भी है तो फॉर्च्यून ही है ना. आप देखोगे जो जिन लोगों के घर नहीं होते, होमलेस होते हैं, उनके पास ना छोटा छोटा छोटी छोटी चीजें इकट्ठी की होती है उन्होंने. एक कंबल है, एक कोई गत्ता है जो बिछा के सोता है, उसके ऊपर गत्ता है, ऊपर कंबल लिया हुआ है उसने. एक उसकी पानी की बोतल है प्लास्टिक की, ठीक है ना. एक आदमी उसके पास कोई चाबी है, चाबी को ताला नहीं है, चाबी है सिर्फ. उनके साथ बहुत अटैच है, इधर उधर नहीं होने देता उस चीज को. क्यों? उसके लिए वही फॉर्च्यून है. So the more we get into love and attachment with these things, the more we will have this fear of losing those things. किसी इंसान के साथ आप इतने प्यार में होते हो, जब प्यार इतना ज्यादा हो जाए, अटैचमेंट इतनी ज्यादा हो जाए, तो मन में अपने आप सोच आएगी कि अगर ये इंसान दूर हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर ये मेरे से कल नाराज होकर चला गया, फिर. Because you are too attached. अगर अटैचमेंट है तो ही सेपरेशन है, अगर अटैचमेंट ही ना हो तो सेपरेशन कैसी. So separation is not a disease. The disease is attachment. तभी जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी संत, उन्होंने बोला कि जो मोह है, मोह प्यार नहीं, मोह, not love but attachment is a diseased state. क्योंकि जिस दिन वो अटैचमेंट टूटी, आप बहुत ज्यादा दुख में जाओगे. तो सिमिलरली राजा, वो अपनी छोटी छोटी चीजों के साथ बहुत ज्यादा अटैच होता है. That those things are fortune for him. लोगों के साथ भी, बच्चों के साथ. So before doing anything, he will always have his concentration on what can go wrong in this. काम भी शुरू नहीं किया, किसी ने आइडिया दिया यार ये वाला काम करें शुरू यार, तो पहले बोलेगा चलो देखते हैं जी, कोई नहीं कर लेंगे. जाके घर जाएगा, बैठ के सोचेगा भी अच्छा इसमें पैसे लगा दिए, लाख रुपया ही है मेरे पास, तो वो भी नुकसान हो गया, फिर क्या करेंगे. ये नहीं सोचा भी लाख भी तो मैंने ही कमाया है, मैं एक लाख पहले कमा सकता हूँ, एक लाख बाद में फिर से कमा सकता हूँ. सो इवन बिफोर डूइंग एनीथिंग, जो भी उसका एक आइडिया, वो यही होता कि ये फेल हो जाएगा काम, इसमें कुछ अच्छा नहीं निकल के आएगा मेरे लिए. नॉट विद इंटेंट ऑफ एंटीसिपेशन, एक एंटीसिपेशन की तरह नहीं, कलकेरिया भी सोचता है नुकसान नफे के बारे में, लेकिन वो कैलकुलेटिवली सोचता है कि इसमें ऐसे ऐसे किया तो ये नुकसान होगा, इस नुकसान को बचाया जाए, ये वाले स्टेप्स लेके हम नुकसान को फायदे में बदल देंगे, लाइकोपोडियम, कैल्केरिया, अर्जेंटम नाइट्रिकम, एंड अवॉइडिंग इट, बट जस्ट एज इन अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ विल. विल तो कर रही है काम शुरू किया जाए, लेकिन उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए डर बैठा है साथ में. विल तो कहती है कि करते हैं यार कुछ, तो एक तरफ परेशान रहता है कि बच्चों के लिए कुछ नहीं किया जीवन में, ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों के लिए कुछ कर, बट देन द विल इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय द फियर. एक और विचार आ जाता है विल के ऊपर, एक विचार विल को सपोर्ट कर रहा है लेकिन उसके ऊपर ओवर पावर कर गया दूसरा विचार जिसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया विल को. सो फ्रॉम ऑल दीज करेक्टर्स मेक हिम सेल्फ डेप्रिशिएटिव, ये सब चीजें मिलकर उसको एक रास्ते पे चला देती हैं. Where he keeps depreciating himself, कि मैं कर नहीं सकता कुछ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है. यानी लोगों ने नहीं बोला उसको भी तेरी कोई वैल्यू नहीं है, तू ऐसा है या वैसा है या वो है, नहीं, वो बहुत कम होगा, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा उसके लाइफ में, बताने के लिए बहुत कम होगा वो उसके पास. ज्यादा उसके पास ये होता कि मैं ऐसे हूं जी. Neglection of duty, next part. So basically a very conscientious person, Naja, do his duty very well. But when there is clash between growth of himself and his fears usually win. जैसे मैंने अभी आपको बताया. और ये जब सब process चल रहा होता है, this puts a sense of feeling that he is not able to do his duty well or as it is intended to be. मैंने बच्चों के लिए काम करने थे, father होके मैं duty नहीं निभा पाया. मेरे बच्चे का मन था वो engineering करे, बहुत अच्छा जी पढ़ने में, बहुत पढ़ाई की, लेकिन as a father I have failed. मैं पैसे नहीं इकट्ठे कर पाया कि उसको इंजीनियरिंग में या उसको अच्छी ये ट्यूशन लगवा सकूं या उसको किसी तरह से हेल्प कर सकूं. अंदर ही अंदर खाती रहती है उसको चीज, और ये चीज उसके हार्ट को अफेक्ट करना शुरू कर देती है, उसके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है फिर. एंड
aversion to answer. Generally, they are good in talking. ठीक है ना? During case taking also, you will find कि वो अपने symptoms अच्छे से narrate कर रहे हैं. They are not reserved people. ठीक है ना? लेकिन अगर आप उनके attendant से पूछो, but when asked from attendants about how communicative patient is, they will usually tell that it is very difficult to ask them a question. गुस्सा आता है कोई सवाल पूछते हैं बार बार घर में खास करके या काम पे भी. ठीक है ना? लेकिन हाँ, एक जनरल कम्युनिकेशन है, टॉक है, उनको अच्छा लगता है. स्पिरिचुअल टिंज होता है उनके अंदर, एक उन चीजों के बारे में बात करना अच्छा लगता होता है. दे कैन टॉक ऑन दोज थिंग्स. दिस इज यूजुअली प्राइमरी सिम्टम्स टू डेवलप ड्यूरिंग दिस डिप्रेसिव फेज. ये प्राइमरी सिम्टम होता है नाजा के केसेस में, that there is aversion to talk. बहुत अलग चीज होती है बाकी के डिप्रेसिव पेशेंट्स के साथ. जहां पे इंसान डिप्रेशन में जाना शुरू होता है, उदासी में जाना शुरू होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी होता है कि किसी कोई मिले बात करने वाला, कोई बात करने वाला मिले. लेटर ऑन दे कैन डेवलप इनटू के भी कोई समझता नहीं मेरे को, कोई ये नहीं करता, तो वो अकेले होना शुरू हो जाए. लेकिन इसका जो डिप्रेसिव फेज है वो यहीं से शुरू होता है कि दे विल स्टार्ट फीलिंग एन अवर्जन टू आंसरिंग. कोई सवाल पूछता है, ये किया वो किया क्या खाओ, बुरा लगना शुरू हो जाता है इसको. नेक्स्ट पार्ट इज द फीलिंग ऑफ सफरिंग्स. किस्मत ने तो किया ऐसा, मैंने भी किया है अपना, लेकिन लोगों ने भी नहीं कमी की मेरे साथ. ब्लेम गोज बोथ वेज. जब आदत ही पड़ जाए क्रिटिसाइज करने की, ब्लेम करने की, तो खुद को तो हम करते ही हैं या दूसरों को तो करते ही हैं, जिन लोगों को दूसरों को भी करने की आदत है, लेकिन दूसरों वालों को खुद को भी करने की आदत होती है. ठीक है ना? ब्लेम करने की आदत पड़ जाती है, ब्लेम देखने की आदत पड़ जाती है, गलत हुआ कहां पे. अभी हम बात करके हटे ना, वो गलत देखने की आदत, गलती किसने की. ये भी हमने एक कंसेप्ट बड़ी जल्दी, बहुत पहले हमें बहुत छोटी उम्र में सिखा दिया गया था कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. ठीक है ना? सबने सुना हुआ है, भी अपनी गलतियों से सीखो. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स, दूसरों की भी गलतियों से सीखो. सिखाना ये चाहिए था कि देयर इज नो मिस्टेक इन द लाइफ. मिस्टेक जैसा कुछ होता ही नहीं है. देयर आर एक्सपीरियंसेस. अगर आपने कुछ अचीव किया वो भी एक्सपीरियंस है, कुछ ना अचीव करना भी एक्सपीरियंस है. सिखाना चाहिए था कि जो हो रहा है उसी में खुश रहो. सिखाते हैं ये भी चीज, लेकिन वो भारी दूसरी पड़ जाती है हमारे ऊपर, भारी दूसरी हो जाती है. क्योंकि हमें फिर गलती तो अगर मिस्टेक का ही कंसेप्ट दे दिया कि देयर इज अ मिस्टेक, बेटा आपने गलत स्पेलिंग लिख दी है. ठीक है ना? ये आपने गलत स्पेलिंग लिख दी, ए का आई इधर उधर हो गया, उधर हो गया. वो बच्चे को गलत जैसी कोई चीज होती है, गलत जैसी चीज होती है. गलत ठीक है, उनको बताओ भी ये चीजें नहीं अच्छी है आपके लिए ये चीज, लेकिन उनको ये भी बताओ साथ में क्या कि these things are basically experiences. कि this is basically a part of process. आज जो आप गलती कर रहे हो है तेरे, जो आपने लिखा है ये इसका मतलब नहीं है, लेकिन this is a part of process. इसे डरना नहीं है गलती से, ये आपके प्रोसेस का पार्ट है. गलतियों का डर बिठा दिया जाता है कि अगर तूने गलत किया मारूंगा तेरे को, तू करके दिखा मिस्टेक, तेरे नंबर काटेंगे हम. तो वहां से वो डर बैठ जाता है मिस्टेक्स का, डर बैठ जाता है. हम मिस्टेक को बड़ी नेगेटिवली चीज लेते हैं, वेयर इज मिस्टेक इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस. सीखने का पार्ट ऑफ प्रोसेस है. आपने छोटे होते अगर कभी चाबी लगाई ताले में, तो कभी चाबी उल्टी भी पकड़ी होगी ना पहले, कभी कोई और चाबी लेके भी फंसाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो पार्ट ऑफ प्रोसेस था. गलती की, वहां से सीखा भी हर चाबी हर ताले में नहीं जाती. चाबी को लगाने की एक डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में अगर हम लगाएंगे तो ही चाबी लगेगी. ये सीखा हमने उस पार्ट ऑफ प्रोसेस में. सो रेदर देन टेलिंग दैट दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस, मिस्टेक बिकम्स इन अवर माइंड, इन अवर पनिशमेंट सेंटर्स का एक बहुत बड़ा इंप्रेशन बन जाता है सारी उम्र के लिए कि गलती की पनिशमेंट होती, सजा मिलती है.
फिर हम गलतियां ढूंढते हैं। अब सजा से बचने का क्या तरीका है? गलती तो मेरी है लेकिन मैं दूसरे को दोष दूंगा। उसकी उसने ऐसे बोला मैंने बोल दिया, उसने ऐसे बोला तो मेरे को गुस्सा आया। अगर वो ऐसा करता ही ना तो मेरे को क्यों गुस्सा आया? उसने ऐसे किया तो मुझे बुरा लगा। वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स, क्योंकि गलती दूसरे की है और ब्लेमिंग दोनों तरफ है। ओरिजिनली हमें पता भी, हम कहीं ना कहीं अंदर मैं सेंसिटिव हूँ, वो सबकॉन्शियस माइंड को पता है, वो आवाज आती है कभी कभी। अगर ऐसे कोई जरूरत नहीं थी इतना रिएक्ट करने की, कोई जरूरत नहीं थी इतना बोलने की, कोई जरूरत नहीं थी नाराज होने की, ज्यादा ही हो गए। तो ब्लेम जो है दोनों तरफ जाता है। सो फील्स ही हैज सफर्ड एट द हैंड ऑफ अदर्स, स्पेशली जो उसके क्लोज्ड पीपल होते हैं, ठीक है ना। उसी बात फिर वही आ जाती है फॉर्चून और अनफॉर्चुनेट की, कि जी पता नहीं जी किस्मत ही ऐसी है जी, पहले माँ बाप ऐसे थे, फिर भाई बहन ऐसे थे, अभी घरवाली भी ऐसी ही है, हस्बैंड भी ऐसे ही है, ठीक है ना। सो देयर इज अ बेसिक फीलिंग ऑफ सफरिंग, के मेरा सारा जीवन सफरिंग में, माइजरी में ही निकलना है, दुखों में ही निकलना है मेरा, ऐसे जीवन का फायदा क्या। एंड देन द सुसाइडल थॉट्स विल स्टार्ट पोरिंग इनसाइड द माइंड, दे विल स्टार्ट कमिंग, दे विल स्टार्ट डेवलपिंग, में सुसाइड कर लूं, जीवन को खत्म कर लूं इसको। दे माइट ब्लेम देम फॉर द थिंकिंग विच दे हैव डेवलप्ड। मैं सोचने ही ऐसे लगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स बड़े क्रिटिकल थे, मेरा कॉन्फिडेंस ही तब लूज हुआ जी, पेरेंट्स ही बड़े क्रिटिकल थे। पेरेंट्स ने हौसला अफजाई की तरह ऐसे बोलते रहते थे तो मेरा, ठीक है ना। जो उसकी थिंकिंग डेवलप हुई, वो सरकमस्टांसेस को नहीं ब्लेम, लेकिन जो उसकी थिंकिंग, जो उसका बिहेवियर डेवलप हुआ, ही विल एस्क्राइब के इनकी वजह से हुआ। अगर आप उनको समझाओ कि आप अपने आप को इतना डीवैल्यू ना करो, क्या करें जी, बचपन ही ऐसे निकला है, तीन भाई बहन थे हम, मैं सबसे छोटा था, मुझे घर में रखा ही ऐसे क्या है, मुझे कभी नया कपड़ा ही नहीं मिला। अभी भी मेरा मन ये होता कि भाई मैंने नया कपड़ा लेना क्यों है, तो अभी मिला ही नहीं, तो अभी भी वही आदत पड़ी हुई है जी तब की, कभी कभी मिला तो है नहीं नया कपड़ा, अभी भी मैं पुरानी चला रहा हूँ, एक आधी शर्ट ले लेते हैं, वो 4-5 साल निकाल लेती है। सो दिस इज हाउ देयर ब्रेन विल स्टार्ट टेलिंग इट सेल्फ, ये जो कंसेप्ट बैठ जाता है कि यू आर बॉर्न टू सफर, जन्म ही इसलिए लिया जी कि सफरिंग्स हो। एंड दे विल हैव द, जैसे मैंने आपको बोला, एक स्पिरिचुअल टिंज होती है, भगवान ने चलो जी रखा हुआ, अभी ऐसे क्या करें, उसी का दिया है, वही ले जाता है मेरे से, वो रास्ता दिखाएगा तो चल पड़ेंगे, ठीक है ना। सो दे विल स्टार्ट, तो भगवान को भी बीच में घसीट लेते हैं कि अभी अभी वो रास्ता ही नहीं दिखा रहा तो मैं क्या करूं उसमें। बट दिस इज ऑल अबाउट द डिप्रेसिव फेस। दे आर माइल्ड मैनर्ड पीपल, बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, नॉट मच अग्रेसिव। अगर एंगर वगैरह आया तो इट इज वेरी, कि जो अपने क्लोज्ड वंस हैं उन पे ही होता है जनरली अग्रेसिव। जैसे हम लोग लैकेसिस के बारे में पढ़ते हैं जो बड़ी अग्रेसिव रेमेडी होती है, वैसे नहीं होती है। जेलसी कैन बी देयर बट एक पैसिव जेलसी होती है, एक्टिव जेलसी नहीं, अगेन लैकेसिस जैसी, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ द डिप्रेशन और द कॉजेज ऑफ डिप्रेशन ऑफ नाचा, क्या फिजिकल जरूर पढ़ने हैं इसके, वो आपने पढ़ने को, मैं अगेन बोल रहा हूँ मैं पूरी रेमेडी नहीं ले रहा, ठीक है, कभी लेंगे उसको जब कभी आएगा उसका मौका। लेकिन एक जो रीसेंट एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड, उसके ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग बेस होती है हमारी, ठीक है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हाउ द डिप्रेशन ऑफ नाजा इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द अदर रेमेडीज हु प्रोड्यूस डिप्रेशन और सुसाइडल डिस्पोजिशंस। एंड दिस मैन ही इज ब्रिलियंटली, पहले ही फॉलोअप में उसने बोला कि जी पता नहीं क्या हो गया, अभी वो आते नहीं विचार, काम भी अच्छे से करने लगा हूँ, एनर्जी बढ़ गई मेरी काम करने की, पॉजिटिव रहने लगा अभी माइंड कि कुछ कर सकते हैं जीवन में, ठीक है ना। सो दिस इज द पावर ऑफ योर मेडिसिन, कि दे कैन इवन चेंज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इतनी ताकत है। उस ताकत के नजारे लेके तो देखो एक बार,
उसको यूज करके उसका एक्सपीरियंस ले। डॉक्टर विजयकर सर बोलते होते थे, हम उनके क्लिनिक में होते बोलते थे कि हमारी जो दवाई है ना ये इंसान के ग्रह सितारे चेंज कर देती है। ग्रह और सितारे होते क्या है, हमने ही तो बनाए हैं ग्रह और सितारे। जिस इंसान ने सोच लिया मैं फेल होऊंगा सारी उम्र, तो उसका सितारा तो हमेशा गर्दिश में ही है। जब सोच ही लिया, नाजा को जब तक नाजा ना मिले वो उसका सितारा कहां चढ़ने वाला है बेचारे का। सारी उम्र होता हुआ भी वो सेल्फ डेप्रिसिएशन में ही है, और जब मिल जाए तो वही सितारा चमकना शुरू हो जाता है उसका, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता, उसमें पॉजिटिविटी आती भी सारे ही कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। सो दैट इज द पावर ऑफ योर होम्योपैथिक रेमेडी, इतनी पावरफुल है। क्यों है वो हम पढ़ते जा रहे हैं ऑर्गेनन में, जहां पे हनुमान सर बार बार हमें बताते हैं कि ये इस वजह से प्रॉब है क्योंकि ये सिमिलिया सिमिलिबस कोरंटर के लॉ के ऊपर बेस्ड है। इसको इतनी मेहनत के साथ प्रूव किया गया है, इनके सिम्टम्स को देखा गया है, और जब आप इसको अप्लाई करोगे एक वंडरफुल रिजल्ट देगी। चलो आज का यहीं पे करते हैं। कोई क्वेश्चंस किसी चीज से रिलेटेड? गुड इवनिंग सर। इंटरमिटेंट रेमेडी का क्या कंसेप्ट है, मतलब हम कैसे उसको देखते हैं, कैसे क्या करते हैं हम? कौन सी रेमेडी? इंटरमिटेंट रेमेडी जो हम बोलते हैं, तो वो क्या है? मतलब इंटरकरंट रेमेडी होती है, वो करेंगे, वो कंसेप्ट, वो लंबा कंसेप्ट है, वो आएगा भी आगे भी आएगा, लेकिन करेंगे बाद में जब उसका टाइम आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई आज के लेक्चर के साथ कोई रिलेटेड कुछ? इंटरकरंट रेमेडीज का बहुत सारे बेसिस होते हैं, बहुत सारी उसकी देखने का तरीका होता है, करेंगे वो उसका एक अलग ही लेक्चर लेंगे। मैंने एक बार लिया भी था पहले इंटरकरंट रेमेडीज के ऊपर, लेंगे फिर उसके ऊपर। ओके सर, निकल के आएगी। ओके ओके सर, थैंक यू सर। कोई क्वेश्चन? अच्छा, हाउ टू डू काउंसलिंग ऑफ पेशेंट विद डिप्रेशन, आगे चल के इसके ऊपर भी आएगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मेंटल डिजीज ऑफ टू काइंड्स, वन विच आर चेंजिंग फ्रॉम कॉर्पोरियल डिजीजेस टू मेंटल डिजीज, एक प्रोसेस के साथ चल रही है, ठीक है ना, वहां पे चेंज हो रही है, जहां पे स्किजोफ्रेनियाज, बाइपोलर मेनियाज या डीप डिप्रेसिव्स आ जाते हैं, या क्या बोलते हैं हम ना, तो ऐसे डिप्रेसिव्स आ जाते हैं, डिप्रेसिव फेजेस आ जाते हैं। डॉक्टर हनुमान उसका तरीका बोलते हुए ऐसे डिप्रेसिव को कभी काउंसिल नहीं करना, सबसे बड़ी गलती होती है ऐसे पेशेंट्स को काउंसलिंग देनी, जहां पे बीमारी चेंज हो रही है फ्रॉम साइक फिजिकल डिसऑर्डर्स टू मेंटल डिजीज, जो आपको जर्नी मिलती है ये ऐसे करके चेंज हुआ इंसान ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड। देन देयर आर इमोशनल डिजीजेस, इमोशनल डिजीज मतलब किसी का कुछ रिजल्ट बुरा आ गया, वो आया आपके पास, थोड़ा डिप्रेसिव है, उदास है, पता नहीं जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, दीज आर इमोशनल डिजीजेस, जो हमारे कोई सर्कमस्टांसेस में इमोशंस चल रहे, किसी के घर झगड़े चल रहे, लड़ाई चल रही है, तो जब आप उसके साथ बात करते हैं, उसको उस एनवायरनमेंट से बाहर निकाल आते हो, तो पेशेंट नॉर्मलसी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो चीजों का ध्यान रखना होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन टू क्योर है वो चीज उसको बोलो कि भाई घर का थोड़ा माहौल ठीक करने की कोशिश करो, नहीं ठीक होता तो उससे थोड़ा बचने की कोशिश करो, या ऐसी जो चीजें हैं जो आपके आप आज अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया देयर इज नो फेलियर, देयर आर उसको एक्सप्लेन करो उस चीज को, ठीक है। देयर इज नो वन सिंगल रूट टू काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग है कि आप उसको अपने शब्दों में बात बता के अपना आइडिया उसको अपने आइडिया के साथ थॉट के साथ इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहे, दिस इज काउंसलिंग। आपके पास है जब वो सलाह लेके जाए तो वो आपकी बात मान के जाए, दैट इज काउंसलिंग। वो आपकी बात कब मानेगा? उसका एक ही रूल है, वो आपकी बात तब मानेगा जब आप खुद अपनी बात मान रहे हो। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हो, अगर आपने
विश्वास करके उस बात को, उसके ऊपर जीवन जिया हुआ है, फिर लोग आपकी बात मानते हैं, ठीक है ना। काउंसलिंग इज नॉट समथिंग विच कम्स आउट ऑफ अ टेक्स्ट बुक। काउंसलिंग किसी टेक्स्ट बुक में से नहीं आ सकती कि इस पेशेंट के साथ ये बात करें जी, इस पेशेंट के साथ ये नहीं। काउंसलिंग आपके शब्द हैं जो आपके विचारों से आ रहे हैं, और वो विचार जो शब्दों में तब्दील हो रहे हैं, वो विचार अगर कांस्टेंट हैं तो ही अच्छा फॉर्म लेते हैं शब्दों में। दूसरी चीज, ऐसे लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको बड़े पेशेंटली सुनिए, जो मैं इमोशनल डिजीज वालों की, ठीक है ना, जो इमोशनल डिजीज के साथ, उसको सुनिए। सुनने से वो आधा तो ठीक हो जाते हैं बेचारे, ठीक है ना। तो उसको पेशेंटली सुनिए, बीच में इंटरप्ट मत करो कभी भी, बीच में ना समझाने बैठ जाओ, उसका निकल जाने दो पहले सब, फिर चाहे उसमें आधा घंटा लगे, चाहे एक घंटा, चाहे दो घंटे, और निकल जाने दो सारा बाहर, ठीक है ना। लेकिन जो इमोशनल डिजीज में होते हैं वो दो घंटे लगाएंगे नहीं या एक घंटा लगाएंगे नहीं। अगर कोई इंसान इतना बोल रहा है ना, तो ही इज नॉट सफरिंग फ्रॉम इमोशनल डिजीज, ही इज बेसिकली सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेनिया। तो फिर उनको थोड़ा इग्नोर करो, क्योंकि आप जितना मेनिया वाले को बोलोगे और बता, वो तो सारा दिन बिठा के रखेगा आपको, उसमें तो हिम्मत ही आ जाती है अगले बार भी सारा दिन बिठा के रखेगा। और इसके बारे में हनीमंत सर ने आगे बोला भी हुआ है कि जितने मेनिया या ऐसे लोकेशियस लोग होते हैं, जो मेनिया में होते हैं, उनको ज्यादा ये नहीं बोलना कि बता सारा कुछ, उनको इग्नोर करना है, ठीक है ना। वो आएगा आगे पार्ट जो उसका कॉर्पोरेट। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट काउंसलिंग, द बेसिक रूल इज बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग फर्स्ट, लिव योर लाइफ बाय व्हाट यू आर गोइंग टू टेल द पेशेंट फर्स्ट। फिर काउंसलिंग कोई एफर्ट वाला काम नहीं होता, वो अपने आप ही हो जाती है, आप किसी की भी कर सकते हैं। हाँ जी, और कुछ सर? फोरम का डिप्रेशन कैसे डिफरेंट होगा? हाँ जी सर, फोरम का डिप्रेशन कैसे डिफरेंट होगा नाजा से? फोरम में डेप्रिसिएशन नहीं होती है अपनी, सबसे पहली चीज तो यही है, फोरम डज नॉट डेप्रिशिएट इटसेल्फ। गोल्ड है, गोल्ड खुद को कहां से डेप्रिशिएट कर लेगा? वो तो ये बोलता है कि लोगों ने मेरे साथ एक डिसऑनरेबल काम किए हुए हैं, दे हैव नॉट ऑनर्ड मी प्रॉपरली, दे हैव स्टैब्ड मी, डिसीव्ड मी। उसमें कभी भी ये नहीं आता कि भी आई एम डीवैल्यूड, वो होता है मैंने लोगों के लिए इतना काम किया है, ये इतने एहसान फरामोश लोग हैं, मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया उनके पीछे, ये फीलिंग है उसकी बेसिकली बेचारे की, ठीक है ना। देयर इज नो सेल्फ डेप्रिसिएशन, खुद को नहीं डेप्रिशिएट करता ये कि मैं, और ही इज बेसिकली वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, बहुत स्ट्रॉन्ग विल होता है। और उसकी ऑरम के बारे में एक कहा जाता है या ऐसा एक समझने का तरीका है उसको, कि जब वो सुसाइड करने वाला, उसके पहले तक पता ही नहीं होता भी इंसान सुसाइड करेगा, वो इतना काम में अपना लगा हुआ है, सब कुछ कर रहा है, अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज चुपचाप निभा रहा है, ऑल्दो विद दोस डिसेप्शंस एंड डिसीट्स इनसाइड, दैट पेन और हर्ट ऑफ डिसेप्शंस, काम कर रहा है अपना आराम से। मेरी कॉपी कर दो। और कोई क्वेश्चन सर? आपने जैसे बताया नाजा में कि उसका माइंडसेट होता है सेल्फ डेप्रिकेशन का, तो लिटरेसिस में कैसे डिफरेंट होता है, आपने से कंपेयर किया, तो वो लिटरेसिस में उसका मेंटल कैसे डिफरेंट होता है? किससे डिफरेंट? लिटरेसिस में कैसे डिफरेंट होती है ये चीज सुसाइडल टेंडेंसी वाली? लिटरेसिस में अपने आप को लोगों को आगे आगे लगा के रखती है, तो भगा भगा के सबको। दूसरी चीज, लैकिस इज नॉट अ माइल्ड पीपल, दे आर वेरी अग्रेसिव इन देयर वर्क, इन देयर टॉक, इन देयर थिंग्स। लैकिस इज अ डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, ये तो बेचारा एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला, टिमिड, फेलियर से डरने वाला, मिसफॉर्चून से डरने वाला इंसान है,
दोनों की पिक्चर ही बढ़िया लगे ठीक है ना. सो लेकिसिस के साथ सिर्फ बीइंग फ्रॉम द किंगडम ऑफ स्नेक और मेंटल पार्ट पे लेकिसिस के साथ ज्यादा कुछ नहीं मिलता. सिर्फ हाँ दो चीज है कि दे कैन गो इनटू दैट स्पिरिचुअल असेंशन. नाजा भी और लेकिसिस भी एक स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ जा सकते हैं. ये इनका एक कॉमन है कि नाजा कैन ऑल्सो गो इनटू अ स्पिरिचुअल असेंशन इजिली. ठीक है आज की क्लास यहीं पे करते हैं खत्म. मिलेंगे 15 डेज के बाद फिर से. एक शेड्यूल हम तैयार कर रहे हैं, शेड्यूल परमानेंटली दे दिया जाएगा टॉपिक्स के साथ भी कौन सी डेट पे क्लास होगी, उसका क्या क्या टॉपिक होगा मई के एंड तक. वो हम विद इन दिस वीक हम वो पूरा करके उसको पोस्ट कर देंगे ठीक है. तो मेहनत करनी है सबने, लग के काम करना है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस करते रहना है. फिर जो हम सोचते हैं कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे फिर हम पहुंच पाएंगे और पहुंचेंगे, फिर कोई रोक नहीं सकता हमें. चलिए थैंक यू, गुड नाइट. थैंक यू.